माशाल्लाह तू यहाँ खड़ी है, मैं तुझे अंदर पूरे घर में ढूंढ रहा हूँ। झूठ मत बोलो। क्यों? तुम अंदर खाना खा रहे थे। खाना खा नहीं रहा था, ठूस रहा था। सेठ साहब ने मुझे इजाजत दी है जो कुछ खाना है खाओ। सिर्फ मुझे इजाजत दी है सेठ फुरकान साहब अपने, करोड़पति आदमी है। हाँ। अल्लाह का शुक्र है कंजूस एक नंबर के। अल्लाह ने लाखों करोड़ों की जायदाद दी है, दौलत दी है, फिर भी कंजूसी एक नंबर पे। अभी पिछले दिन मोहल्ले के लोग जमाव के आ गए। हाँ? कहने लगे सेठ साहब मोहल्ले के यतीम मिस्कीन बच्चों के लिए हम लोग स्विमिंग पूल बना रहे हैं, कुछ दे दे। मुझे कह रहे जाओ इनको दो बाल्टी पानी दे दो। ये तो कंजूसी का आलम है। सेठ फुरकान साहब अपने सेठ साहब है। हाँ? चार बच्चे हैं, एक को एक्टिंग का शौक है, एक को सोने का शौक है, वो सोता ही रहता है नेस्टी मार, दूसरे का पता नहीं चलता पागलपन की हरकतें करते हैं, और एक बेटा जो है वो अदाकारी का शौक करता है, रूप बदल बदल के आते हैं, और एक बेटी है वो नाराज होकर हॉस्टल में, क्योंकि पुराने गवैये हैं ना। अच्छा, खानदानी गुलकार हैं। सही। अब अरे सेठ फुरकान साहब पुराने जमाने के गुलकार रह चुके हैं, इनकी वजह से इनकी बेटी नाराज होकर हॉस्टल में रह रही है, और मैं तुम्हारे चक्कर में यहाँ पे काम कर रहा हूँ। मेरे चक्कर में? तुझे पता नहीं है तेरे पे मैंने तावीज गंडे कराए हुए, दो तावीज गंडे, तीन गोले गंडे तेरे पे कराए हुए। मैं तो बाबा जी के पास गया था तेरे चक्कर में। अच्छा? मैंने बाबा जी से कहा बाबा जी इससे मेरी शादी हो जाए, कोई ऐसा तावीज दो। हाँ? कहने लगे बच्चे तेरा सितारा गर्दिश में, सदका दो। हाँ? मैं बाहर निकला हूँ आस्थाने से, एक आदमी चुड़ियां बेच रहा था, चुड़ियां समझती है? हाँ? फुर 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 वो बेच रहा था। मैंने कहा यार चुड़ियां आजाद करवा देता हूँ, ये भी सदका। हाँ? मैंने कहा छोड़ दे 12 चुड़ियां आजाद कर, 12 चुड़ियां छोड़ दी, जेब में हाथ डाला पैसे नहीं। फिर तुमने क्या किया? क्या किया, पूरी रात 12 चुड़ियां पकड़ के वापस कर गया। तो अजीब तुम्हारे चक्कर में ये नौबत आ गई है। माशाल्लाह कपड़े अच्छे पहने हुए हैं, महंगे हैं, कितने के? मुझे क्या पता कितने के, जाहिर है उसे पता होगा जिसकी मोटरसाइकिल बिकी है। मैं क्या पता, मेरे कभी सेठ साहब ने थ्री पीस सिलवा के दिया है, अच्छा? कुर्ता सलवार और टोपी। ऐसे मत देखो, माशाल्लाह तुम्हारी झील जैसी गहरी आंखें, दिल करता है चटिया पहन के डुबकी लगाऊंगा। नहीं अच्छा खूबसूरती की बात कर रही हो, खूबसूरत तो अल्लाह ताला ने तुम्हें बनाया है। हाँ। तुम्हारे ये बाल 16 साल की लड़की जैसे, तुम्हारे आंखें 13 साल की लड़की जैसे, तुम्हारे ये खूबसूरत होंठ 17 साल की लड़की जैसे, इन सबको मिलाओ 56 साल होते हैं। तुम्हें क्या पता लड़के तुम किस बात के, सारा मेकअप का कमाल है। इन लड़कियों को सुबह देखो 6:30 बजे जब सो के उठती है, अल्लाह माफ करे, अम्मा मेरी चाय कौन पी गया। छोटा बच्चा देख के डर रहा था, अम्मी बाबू ये मेकअप कराने चले ब्यूटी पार्लर पे, मियां बीवी से कह रहा था बहन मेरी बीवी यहाँ बैठी थी आपने देखा तो नहीं। बहुत हो गया। बहुत कुछ नहीं हुआ, सेठ साहब ने बोला है मुझे कि तुमने इस घर पर नजर रखनी है, किसी को कुछ नहीं देना, शहरी वाला है कोई चंदा किसी को कुछ नहीं देना। रोजेदारों रोजा रख लो, रोजेदारों रोजा रख लो, पूरे नहीं तो आधे रख लो, पूरे नहीं तो आधे रख लो, आधे नहीं तो पौने रख लो, आधे नहीं तो पौने रख लो, पौने नहीं तो एक रख लो, एक रख लो, एक रख लो, एक रख और एक नहीं तो मजा भी बदल लो। अरे प्यारा दीन इस्लाम है, 30 रोजे फर्ज किए, 30 के 30 रखो, एक 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 क्यों रख ले, कौन है आप लोग मूठा के अंदर आ गए। हम लोग शहरी जगाने वाले हैं, इंटरनेट पे शहरी जगाते हैं एसएमएस के जरिए। एसएमएस पे उस्ताद बड़े उस्ताद ऐसे नहीं है। ये कौन है साउथ अफ्रीका की बंदरिया? और आप कौन है, लोग गोला गंडा खाते हैं तू पहन के आ गए, क्या बदतमीजी है। कौन है आप लोग शहरी जगाते हैं मॉडर्न तरीके, ये कौन है, इधर आओ चुड़ैलों की मीरा। एक बात बताओ, लोग में कंगी करते हैं तू बम फोड़ता है। तो यार याद आया हफ्ते वाले दिन मेरे घर आ जाना है, वो अम्मा को बर्तन मांजने वाला जूना चाहिए ना, वो नहीं मिला। हाँ जूना कहाँ से, इसके जूने से दे दे। मैं आपको बता रहा हूँ आप एक्सक्यूज मी, या हेलो एवरीबॉडी, या तुम कैसा है डेड बॉडी? डेड बॉडी क्या है, डेड बॉडी क्या किसे कह रहे हो? हम लोगों को नहीं पहचाना? नहीं, हम अंग्रेज है अंग्रेज, लेकिन लियारी में फायदा हुआ। हाँ तो क्या बात है, लियारी में भी एक से एक शदाना पड़ा है, ये बात नहीं करो। of course, of course. ये आप लोग मॉडर्न तरीके से जगाते हैं? बिल्कुल मॉडर्न तरीके से, और हमारे तो ग्रुप का नाम है, हमारे ग्रुप का नाम है नाइट बर्ड, नाइट बर्ड, नाइट बर्ड। हालांकि आपका नाम होना चाहिए था रात की चुड़ैले, रात के परिंदे नाइट बर्ड। ये बात सही कही आपने, यस प्लीज। हम आपका थैंक करता है कि हम लोग एसएमएस के जरिए फैक्स के जरिए लोगों को जगाता है, और तो और ईमेल के जरिए।
ईमेल। आपका ईमेल एड्रेस सही नहीं है, नो मैन आप गलत समझ रहा है। एसएमएस के जरिए, फैक्स के जरिए, ईमेल के जरिए हम लोग शहरी जगाता है। ओल्ड मैन जितने भी हैं उनको हम एसएमएस नहीं करता। अच्छा, उनके दिन जो है पूरे हो चुके हैं। यंगस्टर्स को हम एसएमएस करता है, फैक्स करता है, ईमेल करता है कि हम उनको बताता है, मैसेज देता है कि खुदा रहा लड़कियां पे तुमको बुलवाएंगे, लेकिन सिर्फ रमजान का महीना सबर कर लो, पूरे साल डेट लगाना। ओके थैंक यू। तो आप मॉडर्न तरीके से किस तरह जगाते हैं? रोजा रखो, रोजा रखो, रोजा रखो, रोजा रखो, रोजा रखो, रोजा रखो, जाने जा सहरी कर लो, सहरी कर लो, पानी भी पी लो, पानी भी पी लो, नियत भी कर लो, नियत भी कर लो, रोजा भी खोलो, जाने जा कैसे कैसे भैया, कितना बड़ा गुलूकार है आतिफ असलम। हुई हुई। आदत वाला पूरे रमजान फारिग रह काम नहीं था, फिर उसने भी जा जा के गली गली में सहरी से जगाया लोगों को। कैसे कैसे? अपने स्टाइल में गा के जगाया। गा के? उसका अपना स्टाइल है, बताओ। उड़ जा सारे, वक्त खत्म होने वाला है, जो पैसे लेने कैसे। बूढ़े जितने भी हैं सब पानी पी के सो जाए, और लड़के जितने भी हैं सारे नुक्कड़ पे चले जाए, फेनी लेने के बहाने अपनी बच्ची से मिल के आए, और ये तो ठर की है इतने पकड़ाई में ना आए लड़के। ऐ अपना सड़क खोदने की मशीन खत्म हो गया, तू अपनी दिहाड़ी पे लगा हुआ। यस, ये कौन है? ये हमारी नौकरानी है खासी। खासी? या हमको लोग दीखप सिरप कहता है। तो उधर मर जिसे काली टीवी हो गई है कोने पे, किसी को भी आप लोगों को पता नहीं आप कहाँ पे आ गए हैं। गलत जगह पर आ गए हैं, ये सेठ फुरकान साहब का घर है। तो बात हो रही है, फुरकान की उड़ी के लिए आए हैं हम लोग। उस्ताद का तो पता ही नहीं है तुम्हें, हमारे उस्ताद इतने अकलमंद आदमी है, इतने अकलमंद आदमी है, परसों गली में खड़े हो गए। अच्छा, एक जमादार जो है ना गटर साफ कर रहा था बैठा हुआ, उसके सर पे खड़े होकर कह रहे भाई दो रोटियां मेरी भी लगा दी। आप अरे ये जो हमारे सेठ अबे बहुत बड़े क्लासिकल गुलुकार है। मैं काहे के गुलुकार हैं? क्यों? हमसे बड़े गुलुकार हैं? आप भी गुलुकार हैं? हुई क्लासिकल खतरनाक किस्म के। क्या मतलब? हुई हुई, कल मैं शेरटन में मेरा प्रोग्राम था। अच्छा, मैं गा रहा था, एक आदमी बंदूक लेकर आ गया सर पे। अच्छा, यहाँ रख दी कनपटी पे, मैं डर गया। खरीद कहले नहीं तो अच्छा गा रहा है, मैं तो उस आदमी को ढूंढ रहा हूँ जो तुझे यहाँ लेकर आया। अरे हमारे सेठ साहब जब गाते गिलास टूटते हैं गिलास। कैसे कैसे? पापा कल मैं उनके साथ गया हूँ महफिल के अंदर, फंक्शन के अंदर, हमारे सेठ साहब ने गाना शुरू किया, सामने एक आदमी ने खड़े गिलास फेंक के मारा, चुप करो। गिलास टूटते सेठ साहब के चार बच्चे, उनमें से एक को बुला रहे हो, वो आपसे निपटेंगे। नाम 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 क्या है? नाम नाम उनका, मैं तो प्यार से बोलता हूँ क्रिश। क्रिश भैया, क्रिश भाई। अबे ये कौन है मुख्तार माई के बच्चे? अबे इतना लंबा आदमी, खुदा की कसम ऊंट भी इसको यूं देखता होगा। या, या आपको कौन है भैया? हम लोग शहरी जगाने वाले हैं। अबे तो हमें क्यों जगा रहे हो? हम तो बहुत बड़े नेस्ती हैं भाई। उसमें कहने बहुत बड़े नेस्ती, अबे मेरे तो मामू का इंतकाल हुआ। हाँ। भाई ऐसा सोया हूं मर्सी में उठाऊ। हाँ। उठा के लोगों ने बोला रोटी खा लो फिर सो जाना।
मेरे नाना और दादा सोने के चैंपियन। कैसे? अबे दोनों ऐसे सोए आज तक नहीं उठे भाई। बातें कर रहे हो, हमें जगा रहे हो। अभी बड़ा सीन हुआ। क्या हुआ? पड़ोस में भैंसों का भाड़ा नहीं है, अहमद भाई का। हाँ। उनका मोबाइल भैंस आ गई। फिर क्या, जब भी दूध देना होता है मिस कॉल मारती है। मिस कॉल कमाल हो रही है। ये नहीं बात है, कमाल हो रही है। अच्छा आप डॉक्टर के पास क्यों गए थे? डॉक्टर के पास बड़ा सीन हो गया। क्या हुआ? दांत में दर्द हो गया, डॉक्टर के पास चला गया। मैंने बोला भाई दांत में दर्द, आपके दांत में कीड़ा लगा हुआ है। अच्छा, एक हफ्ते तक आप मिठाई नहीं खाएंगे, एक हफ्ते तक चाय पापे खाओ। आज मैं चाय सीन हो गया। क्या हुआ? कीड़ा मुंह में से निकल के बोल रहा है भाईजान पापे नहीं है क्या? कमाल हो गया। बहुत अच्छी सरकार। अखबार पढ़ते हो? अखबार? हाँ, क्या हुआ? अखबार में बड़ी खतरनाक न्यूज आई भाई। क्या? फास्ट बॉलर शोएब अख्तर, शोएब डाकुओं ने अखबार दिया। बोल रहे हैं 1 करोड़ तावान दो वरना पेट्रोल छिड़क के आग लगा देंगे। अरे फिर तो काम के बच्चे बच्चे ने पैसे करके दिए होंगे। किसी ने पैसे नहीं दिए, सब पेट्रोल ही दे रहे। लगाओ भाई, ये तो किसी काम का नहीं है, लगा दो भाई। आप इनसे पैसे लेने आए इन लोगों? हमारा नौकर बड़ा सियाना। कैसा है? कल इसके मोबाइल पे बार बार कॉल आ रही। क्या? मैंने इससे पूछा आज तो बड़ी आ रही, तो पता है क्या बोल रहा है? क्या? यार आज बाजी का मोबाइल लाया हूँ। आपको पता नहीं है नोकिया की टक्कर आया, एक नई कंपनी आई है बाजी, उसका मोबाइल। तुम क्यों आए यहाँ पे? हम पैसे लेने के लिए आए हैं। इनकी भाई जगाया तुमने? यस। तुम लोगों ने मुसलमानों को जगाया? जी 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 जी। पुलिस को फोन करो, अरेस्ट करवाओ। पुलिस आएगी इस घर में? पुलिस आए, पुलिस आएगी। यहाँ पे मुकाबले होंगे, पुलिस के फोन करो। हेलो, हाँ 17 ये 15 पे नंबर देना करो। हेलो 15, हाँ जल्दी आ जाए, इमरजेंसी है सेठ प्रकाश साहब के घर, जल्दी आ। पुलिस आ रही है, तुम लोगों को गिरफ्तार करेगी। तुमने हमें पुलिस पुलिस बंदूक फेंक दे शाखा। कौन शाखा? कौन है? तू शाखा। तो मैंने कौन वारदात की भाई? पकड़ा गया तू, और ऐसे नहीं पकड़ा, पुलिस मुकाबला हुआ अभी। कौन सा पुलिस मुकाबला? एक गोली भी नहीं लगी। मैं ऐसे ही करता हूँ बाबू। अच्छा, हाँ तो पकड़ लो जो जो मुजरिम है। अच्छा भाई, चलिए। और जो जो नहीं नीचे कर ले। अच्छा भाई, मैं चलता हूँ। अब यहाँ तो कोई है ही नहीं। अरे मैंने आपको फोन करके बुलाया। 15 पे तुमने मिस कॉल मारी थी? मैंने। उसमें कौन सा बिल आता है? सही बात। एक बात ध्यान में रख लो, मैं बहुत सख्त पुलिस वाला हूँ। आहो आहो। क्या? इससे रोब पड़ता है पागल। आहो इधर आबे हो, ईद के दिनों में सर पे 14 अगस्त मना रहा है। ओ डिंगी बीमारी। सफेद मच्छर यूं करके भाग जाता है, पूरी कौम तुझे ढूंढ रही है मनुस। कौन है तू पर मकसूद की सास? कौन है चांद की बुढ़िया? ओए बात में रख लो, मैं पुलिस वाला नहीं था पहले, पहले था मैं डाकू। पुलिस वाले से पकड़ा ही नहीं दिया। अच्छा, उन्होंने दरखास्त दी इधर ही आ जाओ, बस सिर्फ वर्दी बदली है, अपना काम कर रही हूं सही से। ये जहन में रखना, बहुत सख्त पुलिस वाला हूँ खुदा की कसम। परसों मैंने एक मुजरिम को रंगे हाथों पकड़ा है। रंगे हाथों? कैसे? डिस्टम्बर कर रहा था, पकड़ लिया। यहाँ यहाँ हाथ रंगे हुए थे उसके, मैंने कहा यही है। बहुत जहीन आदमी हूँ। जहीन है? मेरे 2-3 सवालों के जवाब दे दे। पूछ। 2-3 इशारे दूंगा उसके जवाब बताए। पूछ। मेरा पहला इशारा ये क्या है? मोटरसाइकिल है तो मोटरसाइकिल कावासाकी है। क्या कहती हो खाला? खाला खालू किस्म का? दूसरा इशारा ये क्या है? पापा कार है तो कार हुंडई एकॉर्ड है, लांसर है, पिजारो है। ये क्या है? हवाई जहाज है तो हवाई जहाज पीआईए और एशिया भोजे। मेरे एक सवाल का जवाब दे। पूछो। ये कौन है? ये कोई औरत है। है तो औरत, तेरी माँ है, फुप्पो है, ताई है, खाला है, कौन है? बहुत
तुम्हारी फैमिली घूम रही है हमें पता ही नहीं है। मेरे साथ चलना, घर देखा हुआ है। बहुत जहीन आदमी, अभी मैं मसला निपटा के आ रहा हूँ, बता झगड़े निपटाता हूँ लोगों के। कैसे सर? अभी डिस्पेंसरी में झगड़ा हो गया एक मरीज का डॉक्टर से। कैसे? मरीज को कुत्ते ने काटा, जख्म हो गया। वो चला के डॉक्टर के पास, कहने लगा डॉक्टर साहब जख्म हो गया। डॉक्टर ने कहा 5,000 लूंगा, जख्म काट दूंगा। मरीज फैल गया। क्यों? कह रहा भाई कुत्ता फ्री में काट के गया तो 5,000 लेगा काटने के। कुत्ता फ्री में, वही आप वाले साहब। खबर हिसाब किताब खोली, जहन में रख लो। मैं बहुत सख्त पुलिस, मेरे से ज्यादा दिलेर तो मेरी बीवी है। अभी परसों डॉक्टर पढ़ ले रात को 3 बजे में। अच्छा, सारी रात कुटाई की, सुबह माफी मांग ली। क्यों? कहने भाई बाप का ना मैसेज, मेरे मियाँ आए हैं। मेरे मियाँ आए हैं। ठीक है ठीक है, ओके। खबरदार, आप इनके पकड़। ओए, ये बच्ची किडनैप हुई है। मैं? हाँ, मैंने ये तो नौकरानी भाई, तुम्हें पता नहीं। मैं झूठ बोलूंगा? पुलिस वाला झूठ बोलेगा? तुम किडनैप हुई हो, तुम्हें पता नहीं है, केस बनेगा। अरे पकड़े इन्हें, पकड़े वरना मैं पुलिस को बुलाता हूँ। बुलाओ। मैं पुलिस ये वेल्डर है। अबे पुलिस का मतलब हमसे ज्यादा कौन जानेगा? आपको पुलिस का मतलब पता है? पुलिस में कितने लफ्ज होते हैं? 4। पैसे पकड़ो, पकड़ो। वाव से वारदातियों को, ठीक है। लाम से लेन देन करो, से सबको छोड़ो। लेन देन करो, लेन देन, समझे आप? दहशतगर्द है, क्या करता तू? काय का दहशतगर्द? मैं तो यहाँ पे शहरी जगाने के बाद पैसे लेने के लिए आया हूँ। तुझे तो मैं बहुत बोल रहा हूँ। अबे पूरे रमजान इसने डेविड को जगाया है, जो रोजा ही नहीं रखता है उसको जगा रहा है। बहुत अच्छा। डेविड, लेन देन, लेन देन, लेन देन, लेन देन। अभी पहली फोन ही कर लिया। छोड़ा जल्दी। अबे उनको पता ही नहीं है कि मैं शूटिंग से आ रहा हूँ, रिकॉर्डिंग से। मैंने मैंने भी बताया, आप दोनों भाई हैं आपस में सगे, हम दो को जुड़वा है, 1.5 साल बड़ा है मुझसे। ठीक है, ये आपके, ये मेरे। चीटिंग आपने की है? मैं दूंगा हिसाब किताब। 1,000-13,000 तेरे कितने हो गए? 2,000। ऐश कर, मेरे हिसाब है? तुम्हारे लिए तो जमा कर रहा हूँ। आपके तीसरे भाई क्या पागल पल? ये बड़ा जलील है भाई। शुरू। कल अपनी बहन को मिलने जा रहा था। अच्छा, मैं कहाँ जा रहा? कह रहा बाजी से मिलने जा रहा। मैं बाजी के घर जा रहा खाली हाथ, 2 बंदे साथ ले गया। दोनों भाई थे मेरे भाई को साथ में लेके जाओ। अच्छा, मेरा मोबाइल ठीक कराने ले गया था, पता नहीं कहाँ सुबह से मोबाइल ना बेच के खा गया हो यार, पागल है। अल्लाह रहम करे अब्बा के साथ गया। और उन्हें मेरे साथ मत भेजा करें आप। परसों मेरे साथ अजीब पागलपन की बातें करते। क्या? फोटो स्टेट वाले की दुकान पे चलेगा, वहाँ जाके फोटो स्टेट वाले से कह रहे हैं 2 गिलास गन्ने का जूस दियो। ऐसे तो आपके पता नहीं कहाँ रह गया। इस गांव से कभी अच्छी खबर नहीं आई। मैं पागल हूँ, मैं पागल हो गया। से? जितना जगह मेरे को पागल, मैं आइंदा अब्बा के साथ नहीं जाऊंगा। क्यों? वो बोले मैं पागल हूँ। अबे तो पागल तू? अबे मैं पागल कैसे हो गया? इतनी दिन की बातें करता हूँ भाई, तू खुद बता। हाँ? खुद बता, जब अखबार पढ़ोगे पाँव नहीं चलेंगे। बहुत अच्छे हो। मेरे ख्याल में पाँव के नीचे कोई गर्म खबर आ गई होगी। अब कुछ भी आए पाँव तो चले। अबे चल बे पागल, दफा यहाँ से। तू भी पागल कह रहा है, ये भी पागल कह रहा है। अब तू खुद बता, जब आफरीदी छक्का मारेगा एम्पायर गोल नहीं देगा? अबे तू है पागल, तू भी पागल कह रहा है। जब सड़क पर डामा डालो दही नहीं देगा? डाल क्या रहे हैं, जम क्या रहा है? कसम से इसकी वजह से मैं कल मोहल्ले में जलील हुआ। क्या जलील? मोहल्ले में पड़ोस की मुर्गी ने 2 अंडे एक साथ दे दिए। मुर्गी को बोल रहा है बहुत अच्छे डबल सिम डलवाई हुई है, बताया भी नहीं। तो वो खराब है मोबाइल डबल सिम। अबे ये तो कुछ नहीं है, कल मुर्गी को गर्म पानी पिला रहा है। मैंने कहा गर्म पानी मुर्गी को पिला रहा है? कह रहा समझा कर भाई, उबले हुए अंडे देगी। अबे ये सारी चीजें डिजिटल हो रही है, मुर्गी डिजिटल नहीं हो सकती। ऐसा जलील है, परसों जुम्मा पढ़ने गया। अच्छा, मौलवी साहब ने कहा सफ़ेद दुरुस्त कर लें, लाइन से पांव बाहर ना आए। मौलवी साहब से कह रहा है लाइन से पांव बाहर चला जाए, 9 बॉल हो जाएगा। साहब भी नमाज पढ़ने गए, मौलवी साहब ने तकरीर की, मुसलमान और
शराब हराम है, ये कहने लगा कुप्पी पी सकते हैं। तू तो उस दिन की बात की वजह चल रहा है, ये पागल साबित करना चाह रहा है मेरे को। अब भाई तू खुद बता, जब रोटी खाओगे लोड शेडिंग नहीं होगी? बताओ, टांगे में बैठ, टांगे वाले से कह रहे हैं सफर लंबा है, यहीं से गैस डलवा ले। अब तो सब चीजें सीएनजी हो गए, घोड़े सीएनजी नहीं हो रहे। अबे ये करता है कसम से, कल इसकी वजह से मैं बर्फ वाले के पास दलील हूँ। क्या बर्फ लेने गया, बर्फ में से धुआं निकल रहा है तो बर्फ वाले को बोल रहा है बहुत अच्छे, सबको ठंडी दे दी, मुझे गर्म दे दी। आज जल रहे, शेरेटन में गया, वेटर से कह रहा पहचान मुझे, उसने कहा नहीं, मतलब मैंने नहीं पहचाना, मैंने एक दफा खाना खा के पैसे नहीं दिए मुझे, तुमने बाहर फेंक दिया था। वेटर ने कहा सॉरी, बोले सॉरी नहीं, आज फिर बाहर फेंकना, पैसे नहीं है। तो मुफ्त मकान मिल रहा है। अरे मैंने कल इन्हें बताया दुबई वाले शेख जायद का इंतकाल हो गया, कहने लगे उसका इंतकाल कैसे हो गया, उसको तो अपना अस्पताल है। पता नहीं यार, एक बात बताया, हाँ। जब विग लगाओगे ये रन पठानी का पुल बार बार नहीं टूटेगा? हाँ, उस पे खड़ा होकर नहीं लगाओ। अब्बा के साथ गया था बगान, अब्बा मेरे को कह रहे मैं पागल हूं, मैं पागल हो गया। अबे पागल हमारे घर में पैदा क्यों हुआ भाई? मैंने दरखास्त की थी क्या? देखिए मैं खुद आया था लेटर लेके। क्या मुझे पता है आप कितने काबिल आदमी है, अपने इलाके की फुटबॉल कप्तान रह चुके हैं टीम के, बता बता ही नहीं। लेकिन टीम से निकाल दिया क्यों? पांच गोल अपनी तरफ ही कर लिए। अब तो क्या करता, उनका गोल दूर ही बहुत था, मैंने कहा अपनी तरफ मारो धड़ाधड़। मुझे कह रहे हैं भाई पकोड़े खाओगे शालीमार तो लेट होगी। वो तो होगी, कैसे गड़बड़ होगी तो होगी नहीं। अगर कल जनाजे में जलील करवाया, जनाजे में मैंने एक आदमी के सर में गोली लगी वो मर गया, सारी दुनिया रो रही है, ये जाहिल का बच्चा बोल रहा है शुक्र करो आंख बच गई। अबे तो बेचारा क्या देखता, काना हो जाता। अबे यार खुदा के वास्ते यार तू पागल है, हमारे सारे मसले खराब। बासु तू तो नौकर है, हमारे भाई तो जाहिल है, पढ़ा लिखा जाहिल है तू। ये बता, जब मुर्गी काटोगे मोबाइल का बिल ज्यादा नहीं आएगा? बहुत अच्छे सर आइज़क न्यूटन। अबे यार तुम्हें पागल, अपने लम्डो को बुला लूंगा, दो मिनट में ये रिक्शा विक्शा चला रहेगा, तू जानता नहीं हमें बाबू। यार मेरा पैसे दो, मैं क्यों अभी तेरे पैसे भिजवा रही हूँ, अंदर जाके भिजवा रही हूँ, अंदर जा अभी तेरा पैसा। वो भी तो फिरा मेरे साथ, आधे वो देगा आधे मैं दूंगा, मैं काय के लिए पूरा दूं? अब देख लो मेरे को कहते मैं पागल हूं। पागल नहीं है तू, तू मनुष्य है। क्या किया मैंने? कमबख्त मारे हमारे घर में बगैर इजाजत तू पैदा हो गया, ना मैंने परमिशन दी ना तेरे कागजात पूरे, और तू हमारे घर में आ गया, हमें पता भी नहीं मेरी आंखों ने तू आया हुआ था। जलील आदमी, बेटा घटिया आदमी है, वो चमन आबा मर गई बेचारी। हाँ। के जनाजे में चमन आबा, अच्छा है ये जनाजे में कलमा शहादत बस इतना बोला तो मुझे कह रहा बगे शहीद हुई थी। अब एक तब पागल वो कहते हैं उठाते वक्त, उठाया भी नहीं, और अभी अभी लेके चल ले तो कंधा यहाँ पे इसका मुंह के पास से उठाया हुआ इसने। आहिस्ता आहिस्ता कह रहा कहाँ जा रही हो? अबे तू क्या उनके साथ जाना चाह रही था? क्यों पूछ रहे तू कहाँ जा रही हो? तेरा क्या अधिकार है? तो मैं उनसे थोड़ी गया, वो तो मैं मोबाइल में किसी से बातें कर रहा था, और उस टाइम पे आया ट्रेन। चलो भाई मट्टी फेंको जी। इसने को मट्टी फेंकी? अबे मट्टी हो, मट्टी हो गए लोग, फावड़ा उठा लिया लोगों पे फेंक, सारा जनाजे के लोग फूक फूक करते हुए बाहर निकल गए। मुझे तो डर चमनापा उठ के ना बैठ जाए, उन पे इतनी मट्टी फेंक दी कमीने ने। तो वो ऐलान किसने किया था मट्टी डालो? मैंने कहा बजरी बजरी खेल रहे बजरी बजरी, और वो जब हम जनाजे में उनको दफना के आ रहे आपा चमन को जी। अब देखियो अचानक बिजली कड़की है, आंधी चली है, कड़ा ला 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 ला। तो उनके मियाँ से कह रहा है अब पहुंची है। तू लड़ाका थी और तू जलील आदमी, यार तू मेरे घर में क्यों पैदा हुआ यार?
विदाउट परमिशन भाई। मैंने क्या किया यार, मैंने क्या किया? तू तो सबसे लाडला अब्बाना, तुझे कारोबार करवा के दिए। कारोबार है मैं हर किस्म का कारोबार। हलीम का क्या किया तूने? तो मुझे बताओ तो सही बेचना। मैंने तो देख पे फातिहा पढ़ के बटवा दी। तेरी अम्मा का उर्स हो रही है ना वहां पे। अबे हाल में आया तो हलीम ही नहीं है किसी देख में। आराम से बैठा और खुद वहां पे ना दाल से रोटी खा रहे हैं। मैंने कहा हलीम कहां गई? अब अल्लाह का शुक्र सब बढ़ गई। क्या क्या कारोबार नहीं कराए इसे? हर कारोबार करवा के दिया। अरे कौन सा कारोबार? कारोबार भी तो देखो, सिखों के इलाके में मुझे नाई की दुकान खुलवा दी। सिख बाल काटते क्या? टेक्निकल बातें कर रहे आप? उनको वहां पे मैंने इसको नौकरी दिलाई बहुत बड़ी जगह पे। कुत्ते नीला नहीं। फिर तो एक दिन मैं गया हूँ, वो सेठ मार रही है इसको। सेठ को नीला दिया। वो कह रहे मुझे क्यों नीला रही है? कह रहे मेरे तू ही कुत्ता लग रहा है। अब ये कौन सा, तू क्यों हमारे घर में आप पैदा हुआ? तू तो कुत्तों से ज्यादा मेरा सेठ था। बात कर अब। बोलो उनको, वो तुम्हारे घर में क्यों पैदा हुए? उसकी कौन सी मैं तारीफ कर रहा हूँ कम बखत मारे की? तो क्यों, मैंने क्या किया? अबे तू क्यों हमारे घर में पैदा हुआ? कत्थई रंग के कत्थई रंग का पैदा हो गया कम बखत तू। तो क्यों, वजह? वजह क्या, तू कह रहा तू पैदा हुआ, तेरी वजह से हमें जो शर्मिंदगी हुई। मैं तो भैया मुंह पे मास्क लगा के घूमता रहा हूँ कि कोई मुझे पहचाने नहीं है मैं कौन हूँ। अबे बहुत पतला है, इतना सा पैदा हुआ, इतना सा पैदा हुआ, क्या दिखाता मैं लोगों को? ऐसा निशान सा लगा हुआ, यूं भैया पैदा हुआ। रूह अफ़ज़ा की बोतल में इसको रखा मैंने, उसको भी यूं यूं करता रहता, स्विमिंग पूल समझता था। इतना सा पैदा हुआ ये कमबख्त ये हमारे घर के अंदर, ये मनूज। इसकी वजह अब मुझे तो यार वो वक्त वो मशवरा नहीं माना मैंने। क्या? मुझे तो इनायत गौरी भाई कहने लगे, इनायत गौरी हमारे भाई मुझे कहने लगे कि भाई मेरी मानो फेंक दो इसे। कई दोस्तों ने मशवरा किया फेंक दो। हमने कहा भाई फेंक दूंगा क्या फायदा, पाल लिया दिल के हाथों मजबूर हो गए, पाला तुझे कसम खुदा की। मेरे को बेवकूफ कहते हैं, खुद बेवकूफ है। पता है जब ये भाई हुआ ना, मैं अब्बा के पास दुकान पे गया, मैंने कहा अब्बा अगर भाई हुआ है तो अब्बा पता क्या बोले? अबे अपनी माँ को नहीं बताइयो, मैं उसे सरप्राइज दूंगा। मैं तो हाँ, मुझे ये पता ही नहीं चला हुआ कहाँ है, हैं? कहाँ हुआ? कहाँ हुआ? ये पता नहीं चला कि हुआ कहाँ है। हमारी बेइज्जती की बात करें, कल मुझे डॉक्टर के पास दलील करवाया अब्बा ने। कैसे? डॉक्टर के पास मैं अब्बा को लेके गया हूँ। डॉक्टर ने बोला भाई तुम्हारा टेस्ट होगा, तो बोल रहे उम्र ज्यादा है, वनडे करा लो। तो वनडे भी करा के देख लिया ना, टीम का वनडे कैसा वनडे हुआ उनका देख लिया। वनडे दो को मिले अंडे, एक उधर गया, दो साल के लिए, एक साल के लिए इंजेक्शन लगा, खुद ही लगा रहे। अबे डॉक्टर से वाले खुद इंजेक्शन लगा लिया, हमारी जान को अजाब करवा दिया। दो बेहतरीन प्लेयर आउट हो गए वनडे के अंदर, क्या कारकर्दगी है? कोई आदमी को मुल्क से सेंसियर है क्या? कोई बात ही नहीं कर रहा, कोई कुछ भी नहीं कर रहा। वो उसको तू कप्तान है, मैं नहीं बन गया भाई। अब तुझे बना रहे, मैं भी नहीं बनती। अब काहे का नखरे कर रहे हैं कप्तान 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 का, मुझे बनाओ बे। तो आप क्या करते? मैं अबे तो यही कहना था ना आखिर में, लड़के अच्छा नहीं खेले, यही मैं भी कहना। मैं भी कह देता और क्या चीज छोड़ देते ना, तो मेरे से बड़ा छोड़ू कौन है? लड़के। अरे और बताओ, कह रहे लड़के अच्छे नहीं खेले लड़के। अबे राणा नवीद लड़का है, खुदा की कसम बताओ, ईमानदारी इतना उधड़ा हुआ लड़का, कोई लड़का है ही नहीं पूरी टीम में। अरे छोड़ो अब्बा, आपने तो मुझे ट्रेन में दलील करवाया। कैसे? अबे ट्रेन में बैठे हुए खिड़की में से मुंह निकाल के पिछले डब्बों वालों को बोल रहे हमारे से आगे निकल के दिखाओ। और निकला ना एक डब्बा आगे, जो चार डब्बे पटरी से उतरे वो मैंने ही उकसाया था उन्हें, इतने बेवकूफ लोग है। अरे वो बात सरकार, इनको मत भेजा करें मेरे पास, वो गुस्सा है हमारे पास तो है। नहीं सरकार, इनको आपने भेजा दवाई दिलाने के लिए, मैं इनको डॉक्टर के पास लेके जाऊं। डॉक्टर ने दवाई दी, भाई ये लो दवाई, दो चमचे सुबह, दो चमचे दोपहर, दो चमचे रात को। कह रहे दवाई वापस रख लो, हमारे घर में इतने चमचे ही नहीं। फावड़े से पी लेता तू? मैं मगर मचू क्या?
अगर मेरे पेट में दर्द हो गया कोई किसी वजह से बता रहे हो। अच्छा एक काम करो, जरा अपना मोबाइल निकालो, एक कॉल करनी है। हाँ क्या करनी है? अपना मोबाइल निकालो, एक कॉल करनी है। एक कॉल काहे को मोबाइल निकाल के एक कॉल दे दो यार, खर्चा हो जाएगा। अबे चलना वहाँ पे कॉल करना, वो क्या नाम है अपना, वो टेलीफोन। कौन सा टेलीफोन? में एक कॉल कर, 100 रुपए का क्रेडिट लोड कर देंगे वो। ओ अब्बा ऐसा करा रहे हो? मैं भी तो वही कॉल कर रहा था। इतनी डीवीडी जमा किए, खत्म, दुकान खोल ले, खूब चला किराए पे बेटा। कंजूसी में खुश होता हूँ मैं। एक बात बताओ, जब टेलीफोन करोगे तरबूज लाल नहीं होगा? ले भाई, यहाँ से पता लगता है कि बच्चा पागल है। सरकार से पता नहीं किसने कत्ल किया पिछले मोहल्ले में। जी जी। ये सलील आदमी गिरफ्तारी देने चला गया। किस तरह छुड़ा के लाया वहाँ, कह रहे हाँ माइकल लाल मैं हूँ, वो माइकल लाल मैं और मेरे अब्बा साथ थे, इनको भी फंसवाया। अरे सरकार वो आए थे शहरी जगाने वाले। हाँ। वो कह रहे जी पूरा महीना जगाया, पैसे दो। खबरदार, अगर किसी शहरी जगाने वाले को पैसा दिया। पूरा महीना एक रुपया नहीं देना सर जगाने वालों को। फिर किसको दे? अबे क्या पागल हो, उन्होंने कहा नहीं, जिन्होंने जगाया उन्हें दो। किनको? केएससी। पूरी पूरी रात नहीं सोने दिया उन्हें दो। असल हकदार वो है उन्हें दो, बल्कि फितरा जकात भी उन्हें दो, ताकि वो मोटे वाले तार लें। ये तो पतले तार है ना सर के, वो जो मशीनों के ढक्कन पिघला के बनाए, इनमें तो 1200 वोल्ट का करंट छोड़ो, तार हंस पड़ते। इतना करंट हैवी था उसका भाई। बोल रहे अब्बा, सही बोल रहे भाई, बोल रहे हो ना। हाँ अब्बा आप खर्चा दे दो। है? खर्चा दे दो, पैसे खर्चा मांग रहे, पुलिस में वर्दी पहन दिया जाता, खर्चा कहाँ का मांग रहे तू? ये तो मैं रिकॉर्डिंग से आ रहा हूँ, जेब खर्च क्यों नहीं देते? जायदाद पे बैठे हुए हो। जायदाद पे बैठे हुए हो? अबे तुम्हारे लिए जायदाद जमा कर रहे हो मैं। जमा ही हो रहा, मिल तो नहीं रहा। एक तो खानदान ऐसा मिरासी होगा, कोई लड़की शादी नहीं कर रही हमसे। खबरदार हम मिरासी नहीं है। तो और क्या? कीला सीकल वाले हैं। हुए तो मिरासी ना? ना, ये लोगों ने बना लिया मिरासी मिरासी। अबे कीला सीकल वाले हैं। ये जो लोहर गा रहे हैं वो जवाद अहमद गा रहे हैं। ये गाने मैंने आपके लिए बने हैं। वो कंदी या सैया में तेरी है। यार ये को गाना वो कंदी या सैया में तेरी है, वो तो हर एक से कहती फिर दी लड़की। वो उनने बना लिया छन्नो की आँख में, छन्नो को पुलिस ने पकड़ लिया। तब तू नशे करा रही, हमें तो कुछ भी नहीं दे रही। अबरारो लग कल छोड़ो यार, वो कौन है अभी जो नया लड़का, क्या नाम है गाने वाला? आतिफ। हाँ आतिफ है। कौन यार वो? वो जो गाता है कितनी इज्जत है गाने वालों की, लड़कियां तालियां एक साथ मोहब्बत। अबे तो उनको कोई मिरासी नहीं कह रही, हमें कहा के लिए बना दिया, हम तो क्लासिकल का भैया है। हमें तो कह रहे ना कोई लड़की नहीं करती, तो लगता शकल जाए तो बात। तुझे जहाँ काम मिलता तू चला जाता, उस दिन तू उस पे ढोलक बजा रहा है। और ढोलक बजा रही है और मुझे देख के मुंह छुपा रहे, मुंह छुपा रहे। मिराजी वाले काम क्यों करता तू? और फिर अबे चलो ढोलक बजा ले, कोई जुर्म नहीं है ढोलक बजाना। पकड़ा गया वहां, इसके मोजों में से 22 रुपए निकले, उसकी तलाशी हुई कब बगल मार रही। ओए ऊपर से आए हुए नोट कमाता है तू? अब्बा तुम कुछ भी बोलो, मेरा से तो कोई लड़की शादी करती नहीं है वैसे। मैं ये मैं गलत साबित कर दूंगा। हमारी शादी कराओ अब्बा बस। मैं ठहर जाओ, तुम कह रहे हो ना कि गाने वालों के घराने में कोई लड़की शादी नहीं करती? बिल्कुल नहीं होगा। ये अब करूंगा, पहले मैं अपनी शादी। हैं? क्या हो गया? मैं करूंगा अपनी शादी, मेरी हो गई तो समझ लो सबकी हो गई। भाई एक दरवाजा खुलेगा ना, एक रास्ता खुलेगा। बात तो सही है, घर में औरत आनी चाहिए, लेकिन औरत हो करके अंदर तो तुम लोगों के रिश्ते चलाएगी ना। मेरी कराना सबसे पहले। सबसे पहले तेरी कराऊंगा बेटा, किसी भी बच्चे की जिंदगी बर्बाद करवा दूंगा। इसकी नहीं कराना अब्बा, वरना बच्चे भी ऐसे होंगे अब्बा। चलो अच्छा है ना, पहले दिन से काम पे चढ़ जाएंगे वो। एक काम कर लो, पहले मैं अपनी कर लूं फिर तुम्हारी करवा दूं। चलो ये हो गया थे। मगर उससे नहीं करना जो आपकी पुरानी मंगेतर थी, अम्मा ने मना किया था। क्यों? अम्मा ने कहा था इससे नहीं होने देना। उसी से होगी, ये बात नहीं करना भाई। मरूमा अम्मा मना कर गया नहीं। शेड़ाप नहीं कर रहे, मैं शादी उससे करूंगा। उसका मुंह, अब उसका तो मुंह मरदाना है, मैंने उस दिन देखा शेप बना रही थी। अबे केमिकल लगा लगा के नोर अपना बेड़ा गरक कर लिया है। केमिकल, ये क्रीम है, वो क्रीम है, लीमू केले अनार अनार
पुदीना हर चीज लगा दी। मुंह खराब हो गया, बाल निकला, क्या करे भाई। कुछ सब्जी, अब सब्जी ऐसी चीज है कुछ भी खाओ निकलेगी सही। वो ये बाल थोड़ी निकल रहे, इनके मुंह पे सब्जियां निकल रही भाई। अब हमारे जाने वाली है, इतनी बड़ी इतने बड़े बड़े बाल निकला है, कटवाने जा रही ना, कटवा रहे दो भाई, जुम्मा पढ़ा लिया करो। वो तो वो है ना भाई, सही बात है। मेरा लब्बा कोई अगर एडजस्टमेंट हो सके दूसरी जगह कर लो, हमें पसंद नहीं। नहीं नहीं, वो लड़की मुझे बहुत पसंद है, और तमीज वाली आ गई। तमीज नहीं करना मेरे बच्चों, नहीं। इससे करोगे शादी यार? तूने ठाकुर भी अपने बच्चों के लिए माल आया था, ईश्वरिया अब्बा ला रहे हैं जिक्रिया। मैं जिक्रिया, तू चरिया। अब्बा इससे शादी करोगे? अल्लाह तो मुँह रख ले, ताया अब्बू लगेगी। अबे चल बेचे, बदतमीजी मत, बदतमीजी मत करो, बता रहे हो उतारी हो, बता रहे हो, मैं दिल से नहीं उतारी हो। चल अंदर, चल चल, बस करो याकूब भाई, बस कर। दिल से उतर जाएगी, खुदाई कदम, सारे इन्वेस्टमेंट तबाह हो जाएगी, बता रहा हूँ। सही बोल रहे अब्बा, इनसे शादी नहीं करना। क्यों? अबे इनके जमाने के तो इंजन बंद हो गए। अबे तू क्यों अभी तक जिंदा, भूत के बच्चे? क्या बातें कर रही है तू? अरे उनको नहीं देख रहे क्या बातें कर रहे, मुसलसल बदतमीजी की जा। अरे चले छोड़े छोड़े, चाय पियेंगे बट साहब, चले चल। ये नौकर तो तुम लोग सर पे चढ़ा के रखा हुआ है। तेरे अंदाज ऐसे है ना, कमबख्त मारी मनुष्य तो अंदाज क्या, दुनिया इस किस्म की है, यहाँ मर्दाना वार जीना पड़ता है। मर्दाना वार तू घर में दाखिल तो लगता है गुंडा आ गया। अच्छा कर, मुझसे दिमाग खराब मत करो, तुमने मुझे बहुत तंग किया हुआ है। तूने तंग कर दिया हमें मनुष्य। मैंने क्या तंग किया तुमको? तो तेरी वजह से ताने सुनना पड़ रहा है, औलाद नहीं मान रही, मेरे बच्चे नहीं मान रहे। तो क्यों मान रहे वो? वो कह रहे इनका मुंह मर्दाना है, मुंह मर्दाना है। उनके बाप मानने या ना मानने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे शादी तुमसे करनी है। तुमसे करनी है? अरे जरा चेहरा जरा नरम करके बोल ले मनु। नहीं बोल सकती मैं, और तुमसे तो बिल्कुल ही नहीं बोल सकती। अरे जिंदगी हो गई धोखा खाते हुए तुमसे। क्या हो गया? तेरी बुद्धि में इतने बड़े बड़े बाल कमा रहे हैं, रीच के बच्चे। ब्यूटी पार्लर से क्या ही सुल्फे निकाली मैंने, ब्यूटी पार्लर पे आई है। अल्लाह माफ करे, अलग अल्लाह माफ करे, अगर तू कहीं से शादी उठ के आ जाती तो बस। शादी वादी हाथ नीचे करो, ये तो ना करो, अब तुम तो ये ना करो। अब तुम इस उम्र में मुझे धोखे दोगे? धोखे नहीं देंगे हम तुम्हें, सारी जिंदगी तुम्हें होगी धोखा दे मुझे, मुझे मैंने मैं, क्या धोखा दिया? मैं तो पहले तुम्हें लड़का समझ के तुम्हें बातें करता था, दोस्त बना लिया मुझे, क्या तुम और मुझे किसी ने शादी पर मैं अच्छा ठीक है। खुदा की कसम किस कदर छूटे आदमी हो तुम, कसम खुदा की, अपनी छत बोती थी, अपनी छत को कबूतर को दाना डालता था जब, हैं? वहीं से ताड़ते थे मुझे। मैं ताड़ता नहीं था, मैं देखता था कौन है ये, है कौन ये, कौन है कौन है। फिर मैं नजर आई ना, फिर खतबाजी शुरू की तुमने। वो है बड़ी मनुज कसम दे। क्यों, किसका बच्चा मारा मैंने? फिश फिश फेस, फिश फेस, फिश। वो मछलियां गुजरती है शोकेस के पास से। सही बात है, अब तो जो भी कह लो, एक जमाना था मैं तुम्हारे चंदे आफ्ताब चंदे महताब थी। हाँ तो वो मेरा मोतिया का ऑपरेशन हुआ था, उस वक्त तो मैं डॉक्टर को भी समझता था कोई लड़की आई है। अच्छा खैर ये मजाक की बातें छोड़ो, मैं तुमसे सीरियसली पूछ रही हूँ कि तुम मुझसे शादी करोगे कि नहीं? कर। अरे क्या है ये, इराक के तपे हुए लोग हैं। अस्सलाम वालेकुम या अहलल कबूल। तुझे कह रही है? मुझे क्यों कह रहा है? तू लगती है ना कमबख्त मरी हुई। अरे भाई मरी हुई लगती हूँ। वालेकुम अस्सलाम। हाज़ शादी उन जबरुन ना जबरुन बाराजी बरजा शदीदुल रजा, शदीदुल रजा बल्कि शजा रजा।
انت واجب القتل نہ واجب هذا واجب القتل وعي بعد نماز جمع الجردن والحل تعلق الدهر بيكار الواحد والدقة البوسماتم یہ کون سی عربی بول رہے تم لوگ یہ مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہی میری سمجھ میں آ رہی ہے عربی انت شادی ہاں شادی انت حرام لا حرام الجائز بعد نماز وعي والنكاح والعيب والسوار تقسيم الجائز شادی کرتن یہ میرا بیٹا ہے ضیا میری نام ہے اس کا ضیا میری بھی بڑا پیارا بچہ ہے جاؤ بیٹے جاؤ کام پہ جا رہے ہو شادی کرتن تو میں تم کو نہ چھوڑا تم یہ کیسا بیٹا تم کو دھمکی دے رہا ہے یہ تو مجھے مارتا بھی ہے 12 بجے کے بعد اگر میں گلی کے نکڑ اکڑ پہ مل جاؤں نا پٹھوں سے مارتا پسلیوں میں یہ تمہارے سارے بچے پاگل کے بچے کیا بدتمیزی کر رہی ہیں آپ بدتمیزی نہیں کر رہی ہوں ایک سے ایک بڑھ کے نمونہ ہے نمونہ یہ نمونہ نہیں ہے یہ صرف یہ ہے کہ گھر میں عورت نہ ہونے کی وجہ سے اب ان کی تربیت نہیں ہے میں کیا کروں تو ان کی تربیت جلدی شادی کرو نا مجھ سے کر رہے ہیں نا کتنی جلدی کر لے رکشا میں کر لوں تیرے جا رہی ابا بھی پریشان ہے تمہاری وجہ سے تم نے ان کو بھی بڑا تنگ کیا ہوا ہے ابا پریشان ہے الگ بات ہے میں اپنے بچوں سے پریشان ہوں جوان بچے ہیں میرے آخر یہ بگڑ جائیں گے کسی کام میں پڑ گئے تو کیا ہوگا جرائم میں اضافہ ہوگا تو اسی لیے تو میں کہہ رہی ہوں نا تم ڈیسائیڈ کرو گھر میں ماں آئے گی تو ان کو دیکھے گی ان کو سنبھالے گی نا ماں چاہیے نا تو وہ لگ نہیں رہی تو ماں لگ رہی ہے ماما ارے تو ٹو ان ون ہوں گی نا سپورٹ کروں گی نا بچوں کی اللہ تم تو بھروسہ نہیں تو کل لڑائی ہوئی وہاں پہ تم بولا بھی نہیں بیچ میں لو یہ کیا بات ہوئی میں ہی تو بولی ہوں تم تو جا کے کونے میں چھپ کے بیٹھ گئے تھے اے شوکر صاحب سے بات کیجیے آپ ابا کو نہیں لائیں ابا لا ارے ابا ایک تو ایک ابا نے ابھی ابا بتاؤ کیا خبر ہے ٹیلی فن کی تمہارے پاس کیا جانتے ہو 09007-8601 کے بارے میں بتاؤ ٹیلی فن کی خبر میں لے آیا ہوں بوگیمبو بوگیمبو خوش ٹیلی فن پر موبائل بیلنس سینما کی ٹکٹ فری ریسٹورنٹ کے پاس ایک فون کال پر بوگیمبو بوگیمبو خوش ہوا ٹیلی فون پر پسندیدہ گانے کہانیاں لطیفے اور تو آپ موبائل سے بھی ڈائل کر سکتے ہیں بوگیمبو بوگیمبو خوش ہوا ٹیلی فون کے اندر بہت ساری چیزیں بوگیمبو ہم کروڑ پتی بھی بن سکتے ہیں بوگیمبو بوگیمبو خوش ہوا احتیاط کے طور پہ چھپوایا دوسری کا کائی کی احتیاط بھائی یہاں نہیں چلا تو چلو وہاں ہو جائے گا کتا ہو جائے گا اور یہ کارڈ بھی میں نے نہیں چھپوایا یہ تو ہمارے یہاں کسی کے آئے تھے ان کا نام کاٹ کے ہم نے اپنے لکھ لیا نئے نئے کون چھپوایا یار ٹھیک ہے اور یہ میرا نام آپ نے محموم میں لکھ دیا تو ان کے ابا مرے ہوئے نا جن کا کارڈ ہے یہ لکھ رہی ہو تم ہاں نا ابا مسنڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہوگی نا تھوڑے دن بعد ہو جاؤ گے اس میں کیا ہے فرجو لکھنا پڑے گا میرے ابا ہے فرقان کیا کہہ رہے ہو تم یہ مریں گے نہیں کیا سیمنٹ کا ہی ہے ارے تو جب مریں گے ابھی تو نہیں مر رہے نا آپ جی شادی کی تو مسئلہ ہے نا آپ میرے بچوں سے دیکھ رہے وہ پسند کریں گے تو شادی ہوگی بلایا آپ کر لیجیے حشام گنجام حجام ارے سنو باگے فٹافٹ اندر آ جاؤ کیوں اندر کا گٹر بند پڑا آ جاؤ ان کو کہہ رہا ہوں ان کا اپنے ڈھکن غائب ہے کیا بدتمیزی وہ میرے ہونے والے سسر ہیں
नमस्ते पंडित जी। पंडित जी ये कांग्रेस का मुखबर है, ये बच्चा मेरा, ये बच्चा भी आर्टिस्ट है, वो बच्चा माशाल्लाह बहुत अच्छा गुलकार है, ये शायर भी है। शायर भी है? हाँ जी भाई, ये इनके अबू है और रिश्ते की बातचीत के लिए आए। अस्सलाम वालेकुम अंकल। सॉरी सॉरी अंकल, माफी चाहता हूँ। माफ किया, पहले कार्ड फट लो, क्या मजाक कर रहे हो तुम? कार्ड लो, ग्रुप में ग्रुप ग्रुप हो जाओ। पढ़ो फटाफट, क्या लिखा है? मौसमी की मौसमी। अब रुक जा, आगे भाव क्या लिखा है? भाव भाई मौसमी लिखते हैं, मौसमी फुरकान साहब की शादी खाना आबादी सलामती बेगम साथ जुबैदा के होना करार पाई है आपसे। चल दफा हो जा, सुस्त क्या हो गया अब्बा, इतना टाइम लगा रहा है मनुष्य, ये जमाना आएगा टाइम खराब करने का? फटाफट पढ़, एक मिनट चुप करे, एक मिनट के अंदर पढ़ो। मुबारक हो, बस करो। खत्म। ये पीछे क्या लिखा? फारसी। फारसी है ये बेटा, कार्ड को वैरायटी दी है ताकि लोगों को पता चले पढ़ा लिखा आदमी है। अच्छा, क्या लिखा? क्या चश्मे मादी रोशन दिले नाशाद, चश्मे मादी रोशन दिले नाशाद। तुच्छी है, तुच्छी है। अबे ये फाउस से क्या पूछ रहा है? अच्छा इसमें है, फारसी लिखवा रहा हूं। अच्छा तुच्छी है, एक गिलास आप मना भी दे, एक गिलास आप मना भी दे, एक गिलास, एक गिलास आप मना भी दे, आप मना भी दे तो बिल मारा, तो बिल मैं रवा बाबू ने शीरे मल्ले वशमल। कार्ड दूल्हा की शादी हो रही है, तुम भी जो मैं भी खुश, शीरे की बात है यार। कार्ड छोटा पड़ेगा, बैनर लिखवा ले। भाई अभी कार्ड तो देख लिया, अगर और कोई रस्में देख करनी तो बैठ के कर सकते। बड़ी बात है भाई, बैठ के करें आप, बैठ के बात। पानी वानी लाओ, पानी वानी को, जूस वूस को, जूस पानी लिया, को सेब लिया, हाँ। फ्रूट व्रूट देख लो, सब कुछ देख लो, इस वक्त मिलेगा तो कुछ नहीं है, पानी लिया। आप लोगों ने मजाक समझा है, आप सोचे जरा, सोचिए आप। अरे आपको क्या दे रहा हूँ मैं? जिगर का टुकड़ा दे रहा हूँ, जिगर का टुकड़ा। भाई असल में तो ये भूसी टुकड़ा है, लेकिन अब आप अब्बू है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक। मैं भूसी टुकड़ा हूँ तो तुम कौन सी ताजी रोटी हो? मैं शाही टुकड़ा, ये रात की बची हुई रोटी। नहीं बेटा गलत बात है, ये बंजर जमीन का टुकड़ा है। ठीक है, मैंने आपसे कुछ बातें करनी शादी के मामले में। प्लीज मैं आपसे करूंगा सात सवाल। क्यों हाथम टाई हूँ मैं? मुझसे कहेंगे सात सवाल कर रहे हैं यार, रिश्ता ऐसी टाई नहीं होगा? ये रिश्ता सवाल कटे हुआ भाई, शराय तो होंगी ना, तो करो भाई करो। ठीक है, ये जब तक पानी पी रहा है, जितनी बात ये करना है तो कर ले, फिर मौका नहीं मिलेगा। पानी दोगे? क्या हुआ? पानी मांग रहा था ना, साफ मैंने दे दिया। वो सवाल था मेरे। अच्छा मैं तुमने पानी मांग रहा है? बैठ जाए अंकल, बैठ जाए। अच्छा मैं माफी चाहता हूँ, मैं समझे सवाल आप पानी मांग रहे हैं। सवाल ही गलत था, पानी साफ आता, तुम गंजे होते। ये सवाल था मेरा, बारह जवाब नहीं है मेरा। जी जी। और मेरा दूसरा सवाल है तुमसे, वही आके जवाब दूंगा, बता रहा हूँ। जिस तरह तू गया ना यहाँ से, ऐंठ के गया ना यहाँ से, फिर ये देख लो, तुम देख लो। आ जाओ अंकल, छोड़ो छोड़ना, यहाँ आ जाओ, सोफे में बैठ के बात करेंगे। तो ठीक है जी, हाँ जी, मेरा दूसरा सवाल है आपसे जी। जी आप मुझे वो खंभा दिखाए जिसे बिजली हो। लो किसी लो, बिजली के खंबे पे कपड़े सुखा रहे हैं, अलगनियां बना लिए तारों की, लोगों ने बिजली नहीं आ रही भाई, समझ गए ना? ये काम हो रहा है बिजली का आजकल। ये जवाब नहीं है मेरा, मेरा तीसरा सवाल है तुमसे। अरे आराम से, मैं भी पागल ही हूँ। हाँ रंदे भाई रंदे, यस बैठ जाओ। ठीक है, मेरा तीसरा सवाल है आपसे, मुझे वो सड़क दिखाओ जिसमें ट्रैफिक और कानून की पाबंदी होती हो। ट्रैफिक की पाबंदी है, तुम लोगों ने किससे कह दिया कि सड़क की वजह से होती है? सड़क से नहीं होती, ये सिविलाइज्ड होने से होती है। आज तुम सिविलाइज हो जाओ, ट्रैफिक के उसूल समझ लो, तुम्हें पता हो जाए, हमारे अंदर कौम में ये आ जाए ना कि यू फर्स्ट, तो ना भी ट्रैफिक
जाम हो, ना कहीं पे झगड़ा हो, ना कहीं पे रश हो, सब एक दूसरे को निकलने का रास्ता दो। क्या सारी ठेकेदारी बता हुकूमत ने ले रखी है, तुम्हें सड़कें बड़ी बड़ी बना दो, जहाज चलाएगा उस पर? अबे सारे मुल्कों में इसी साइज सड़कें, वहां कभी ट्रैफिक जाम नहीं होता। वहां लोग एक दूसरे कहते हैं आप गुजर जाए, हमारे कहते हैं गुजर दिखाओ। ये फर्क चल रहा है हमारे यहाँ, यही हमारी कौम है पाकिस्तानी। जब बाहर के मुल्कों में जाते हैं तो उतरते के साथ ही इमिग्रेशन में इनकी अम्मी मर जाती है, सब चुप। सड़क पे जाएंगे 10 की स्पीड से गाड़ी चलाएंगे, ट्रैफिक खुली भी होगी सिग्नल फिर भी रुक जाएंगे, नहीं नहीं शायद बंद हो जाए। और यही ड्राइवर यहां उतरेगा कराची और गाड़ी हॉर्न नहीं बजाएगा, खिड़की में तो मुंह देगा अबे हटाना। ये फर्क है कानून का नहीं, ना सड़कों का है, ना पुलिस का है, ना किसी चीज का है, फर्क हमारे दिमाग का है। अगर हमारे दिमाग में सड़क बन गई ना एक दूसरे को रास्ता देने की, फिर कोई मकलाल ट्रैफिक जाम नहीं कर सकता। समझ आ गई? मेरा चौथा सवाल है आपसे, आप आराम से कर ले, क्या बेचैनी है? स्टाइल स्टाइल है ये, फिर से मेरा चौथा सवाल है जी आपसे कि आप मुझे क्या सवाल था? मुझे वो गाड़ी का नंबर बताएं आप जो कभी धुआं ना छोड़ती हो। पब्लिक के कानों में से धुआं निकले, इतनी महंगाई हुई। अरे भाई अभी रमजान के अंदर सेब 200 रुपए स्क्वायर फीट बिका। स्क्वायर फीट? नान जी हाँ जी, अंगूर 100 रुपए तोला। मेरे अब्बा खाम में नजर आए चांद रात को, हाँ भाई सेब खा रहे। मैंने कहा भाई सेब खा रहे फ्री के मिल रहे? कह रहे नहीं 100 रुपए किलो लिए, जन्नत में 100 रुपए, हमारे यहाँ 200 रुपए। अब आपके यहाँ 200 में क्या रेट चल रहा है? बदतमीजी मत करो मेरे अब्बा आइए। अच्छा ओ ठहरे बेटा ठहर जा, बहुत रहो। मेरा पांचवा सवाल है तुमसे, बर्बाद करे। बेटा सवाल पूरे हो चुके थे ना? नहीं नहीं दो हैं, दो बाकी, दो पिटाइयां बाकी है? तो ठीक है जी, मेरा छोटा सवाल है तुमसे। अरे वहां क्या जवाब दिए? सवाल करें सवाल। अच्छा सुलेमानी सवाल किया था तो ठीक है जी, मेरा छठा सवाल है आपसे, मुझे वो पाकीज़ा मर्द दिखाओ जो कभी औरत के पीछे ना गया हो। वो मर्द ही नहीं होगा।
अबे हमारे मुल्क में सवाल कर रही है ये? यहाँ तो अंधे के सामने से औरत गुजरे ना चौकन्ना हो जाता कौन है। साया तो जनाना सा लगा, खुशबू भी जनानी से आई है। मर्दों की अलग पहचान रखी है दरबार इतर, ये कुछ और ही था। ये तो अंधे ऐसे हो जाते, लंगड़े चलने लगते औरतों के पीछे, समझे ना, गूंगे बोलने लगते हैं तो गंजों के बाल आ जाते। तुम फिर यार तुम शादी हो यार, तुम कैसी बात है तो कर रहा। तो चलो मर्द नहीं तो मुझे वो औरत दिखा दो जिसने जिंदगी में कभी मेकअप ना किया हो। तुम औरत की बातें कर रहे हो, ये बशीर भी करता है। माफी चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ, प्यार से बशीरन को बशीर कह रहे हैं। चुप चुप। ठीक है जी, मेरे सवाल तो पूरे हो गए, और बेटा कुछ? अब्बा के रह गए हैं। मेरा एक सवाल रह गया जाने। आपका भी पूछे भाई। अंधे की बीवी का कत्ल हुआ, ठीक, गूंगे ने देखा, अब गूंगा कैसे बताएगा अंधे को भाभी मर गई? बताओ। फस गया। नहीं पता भाई, नहीं पता। आसान जवाब है अदब, 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 ये मैं बताता तो पिटता। बताया तो है। काबिल आदमी अंकल, मेरे एक सवाल का जवाब दे दो। पूछो। ये बताओ चाइना किस मुल्क में? अबे तू हमें जहीन करवा रहा है, इसका मतलब है हमने तुझे कुछ पढ़ाया लिखाया नहीं। चलो आप बता दो। यूनान में। ओए अब चीन हो गए। अब तुम छोड़ो इनको, तुम मेहर की बात पक्की कर लो। अकमेर की? हाँ। पिटवाएगी क्या भाई? अच्छे लोग अपनी मर्जी दे देंगे भाई, जो भाव चल रहा है वो दे दो। 32,000 का ही चल रहा है, ये कर लेगा 32,000 ही कर लेते। ठीक है ठीक है, लेकिन अब्बा फैसला कल होगा। हाँ शाम को, आज शाम को, आज शाम को आपको फाइनल जवाब देंगे। ठीक है ठीक है, ठीक है आ जाओ। हाँ इंशाल्लाह। आप जाओ, उम्मीद से जाओ, उम्मीद से जाओ। आज बेटा सब जाएंगे, इनसे बात करना चाहिए। बात बताओ। पूछो। ये 14 अगस्त किस तारीख को आती है? 14 अगस्त। हमें बेटा। जी अम्मी। अपनी आंटी को बर्थडे कार्ड मेल कर दो। ओह नो, ये नेट आवर्स को भी अभी खत्म होना था, इस वक्त नेट आवर्स कहाँ से मिलेंगे? परेशान होने की क्या है बात, जब टेलीफोन है साथ। अभी डायल करें 09007860 और हासिल करें फ्री नेट आवर्स। थैंक यू टेलीफोन। 09007860 जलील करा दे तू पागल। पता है जलील आदमी, अबे स्कूल में पढ़ाता रहा हूं मैं। तो आप बता दो 23 मार्च को। अबे उस दिन छुट्टी, पागल हो गए। बहुत अच्छा अब्बा, आप भी ऐसे ही होते जा रहे हो। और पीछे खड़े जाओ तुम लोग। अबे फिलहाल यही दस्तियाब है, देख लो दूसरी पार्टी भी देख लो। हाँ दूसरी वाली भी है ना, वो ऑप्शन भी तो है, उसको देख लेते उसमें क्या है। ठीक है उसके बाद फैसला करते हैं। उसके बाद फैसला कर लेंगे बैठ करके, आपस के अंदर तो है यार, क्या हो गया। वालेकुम सलाम। खाला से कर रहे हो अब्बा? भाई किसी ने मुझे इशारतन ये बात की है, मेरा अपना जमीर नहीं था ये। देख लो अब्बा खालू हो जाओगे तुम। ये बातें नहीं कर रहे, दिल से ना उतार ना कर रही बात। ये बताओ कि मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे? मुझसे उठ लिया ना, फुत रही है मेरी। फिर बच्चों से मशवरा ले, तू अपना खूबसूरत समझती है? ईमानदार से बता बे,
خالہ خالہ یا کوئی بھی یار، یہ بڑی عجیب مجھے تپانے لی باتیں کرتی ہے۔ کام کی بات کرو خالہ، کام کی بات کرو۔ تو باہر سے بولتی ہوں کیا یہ لے آتی ہے؟ وہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے گھر آتے ہیں تو آتے بولتے ہوئے گھنٹی بجا کر، گھنٹی بجائے گی نکلے گا، پیسے لگتے ابا۔ ہاں پھر صحیح ہے بھائی۔ دیکھو بچوں، ہاں جی میں تمہاری خالہ ہوں جی، پہلے میرا حق بنتا ہے ان سے شادی کا، کیوں بھائی جان؟ ماموں بن گئے کچھ بھی کہنا بیٹے، لیکن بس ایک ٹائم پہ ایک ہی کہنا ہے۔ مطلب تین نہیں کہنا ایک ساتھ؟ اچھا ہاں وہ نہ کرنا۔ ہاں بھائی تم اپنے والد سے بات کر لی تم نے؟ ہاں پاپا باہر ہیں۔ نانا آئے کیا؟ ہاں باہر ہیں۔ دیکھ لیتے ہیں، دیکھ لیتے میں دیکھتا ہوں کیا ہے، کیا بات کرنی تھی۔ ارے وعلیکم السلام، وعلیکم السلام، کیا ہے فرقانی؟ کیا ہوا، کیا کیا بدتمیزی، کیا کیا میں نے؟ یہ دو بچوں کے نام کیوں ہے کارڈ پہ؟ یہ دونوں ایک دو ایک آپشن ہے میرے پاس۔ کس بات کے آپشن ہے؟ یہ نہیں تو تم سے کسی سے کروں گا کیا، میں شادی نہیں کروں گا۔ ارے میری بچی راضی ہے، میں راضی ہوں۔ دیکھ بھائی فرقان، تجھے ایک بات بتلا دے رہا ہوں، میں اپنی شادی جو بچی کی اسی گھر میں کروں گا۔ اگر میری بچی کی شادی اس گھر میں نہیں ہوئی، خود کا شملہ کر دوں گا اس گھر میں۔ خود کا شملہ؟ ہاں کرنے دو، کرنے دو، گھبرا مت، کر لے بھائی، کر لے۔ کتنا کر لے گا حملہ تو، تیرا بم کتنا چل جائے گا؟ ڈم بس، بس کچھ بھی ہو جائے، تو نے میری پہلے والی بچی بھی مار دی۔ پہلے والی بچی میں نے ماری ہے؟ تم نے مجھے کیا کہا تھا رخصتی کے وقت، جب گاڑی میں تیل اٹک کے سو سال چلے گی یہ، سو سال چلے گی، وہ دس سال نہیں نکالے اتنے کم وقت ماری میں۔ یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، پہلے گارنٹی کارڈ دکھاؤ۔ مجھے غور سے دیکھو، میں کشش بھی لگتی ہوں۔ کشش نہیں، وسندرا۔ کام کرو نانا، پہلے رسمیں طے کر لو، بعد میں بات کریں گے۔ ارے رسمیں اسمیں کیا، ساری رسمیں بس طے ہوئی بھی، پھر بھی بارہ جو فارمیلٹیز ہیں وہ پوری کر لیتے ہیں۔ ہاں ہاں ہاں، میری بچی بتائے گی بیٹی کیا کرنا۔ پہلے ہونی چاہیے مہر کی بات۔ مہر کی بات کر لو۔ مہر یہی کوئی معمولی سا 5 کروڑ افغانی۔ تیرے منہ میں کچھ آگ نہیں لگی 5 کروڑ کہتے ہوئے؟ 5 کروڑ، 5 کروڑ میں تو ایسا پورا ٹرک آ جاتا ہے۔ کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ ابھی کیا گھر میں کوئی بجری بھگوا رہے ہیں ہم لوگ؟ پاگل کے یہ کس کس کے بچے؟ 2 لاکھ رکھ لو سیدھے سیدھے۔ چلو بھائی 2 لاکھ، 2 لاکھ ریزنیبل، 2 لاکھ ہونا ہی چاہیے غالباً۔ چلو 2 لاکھ ہوئے۔ ہاں جی ہاں بیٹے، جو بھی بات کریے گا نا ڈنڈے کی چوٹ میں کریے گا، ڈریے گا نہیں۔ ارے ڈرنے کی کس سے ضرورت ہے؟ بنا دیا ہوں 5۔ 5؟ 4 بیٹے اور ایک میں 5، اور بسیں بھی ہوں گی 5۔ ایک بس میں ایک براتی، بھرم۔ ایک بس میں ایک براتی؟ ابا اس طرح تو ٹھوس ٹھوس کے جائیں گے، تو چھتوں میں بیٹھ جائیں گے بھائی۔ ہاں جی صحیح، بہت اچھے۔ اچھا نانا کو ایک بات اور کرنا چاہوں گا۔ ہاں بیٹے، ابا کا ولیمہ بھی ہوگا دھوم دھام سے، آپ کی طرف سے کھانے پہ کتنے آدمی آئیں گے؟ میری طرف سے آدمی آؤں گے، یہ کوئی تو اتنا سوچنے والا ہے نہیں۔ 500 آدمی، 500 کو ذرا 3 دفعہ کریو، 1500 چاول بنوا لے، گن کے بنوا لے 1500 چاول۔ ابھی ایک آدمی 3 دن تو کھائے گا نا، کھلا کھلاؤ، کھلا ہے دو، ہم نہیں دیں۔ 3 دن چاول، چاولوں میں کیا ہوا بھرو گے؟ یہ کیا مکھیوں کا ولیمہ ہے؟ یہ بات کر رہے میٹھے میں کیا دے رہا؟ میٹھے میں، میٹھے میں بھائی وہ کام کرے، میں پیچھے درخت ہے نا، ہاں ہاں، اس کے اوپر نا برش سے نا شہد کر دوں ایسے، بھائی یہاں بریانی کھائی وہاں گئے وہ لے لو، میٹھا بھی ہو جائے گا ان شاء اللہ۔ قاضی کون لائے گا؟ قاضی 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 بھی آئے گا؟ قاضی تو ٹھیک ہے، دیکھو قاضی ایک کام کرو، ہاں کہ قاضی آپ کا ٹھیک ہے، نکاح میرا، اور پیسہ آپ کا، چھوارے چھوارے آپ کے، گٹھلی ہماری۔ لیکن نانا ابو، اب بیٹے آپ چھوارے کے تھال سے دور ہی رہنا۔ کیوں بھائی؟ پتا چلے چھوارے کی جگہ یہی بٹ گئے۔ ہاں ہمیں آپ کا دکھ نہیں ہے، پھر ہم تو اس کے بارے میں سوچ رہے جس کے منہ میں جاؤ گے۔ تمیز سے کھڑا ہو جا، تجھے بتائے گا بالکل۔ بچوں کو ڈانٹ، دلچسپ باتیں کر رہے ہیں وہ، کائے کی دلچسپ باتیں کر رہے ہیں، بدتمیز بچے، بدتمیز بچے رکھے ہوئے۔
हमारे लिए हम अपनी बच्ची दे रहे, तमीज से बिल्कुल हाथ नहीं लगा। मैं जो सर कह रहा हूँ उसको सुन ले पहले, मेरी बच्ची। अरे कोई मेरे को ना समझा, बस मेरी खोपड़ी घूम गई है, मुझे कोई समझाने की कोशिश, हाथ नहीं लगाने का मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल हाथ नहीं लगाना, मैं कसम परवरदिगार की बता रहा हूँ, फुरकान नहीं, नहीं करो बिल्कुल। मैं हाँ भाई, क्या भाई भाई भाई, स्त्री कर रहे हैं, आ रहे आ रहे। देखा नाना, हंसी हंसी सारी बात हो गई। अबे मुझे बिठा तो दो। हाय हाय हाय, अबे क्या मुंह मिटाएगा क्या? दिस इज अ वेरी लूज वेट डेढ़ छटा। पापा जो भी बात करिएगा डंके की चोट पे करिएगा, डरिएगा नहीं। अरे डरूंगा किससे? ज्यादा बदतमीजी करिए। पापा बहुत तेज है, मैं बदला रहा हूँ, मेरे साथ बदतमीजी करिए, अपना मोजा छोड़ जाऊंगा इसे हमें। अब्बा अब्बा अब हम चार हो गए। अब्बू आपका गुस्सा तेज है ना, अब्बू तो तमीज वाले हैं, आपका गुस्सा तेज। मैं एक बात का बस सोच रहा हूँ, खुदा ना खास्ता आधा पाई ना हो जाए। बात हो गई नाना, खुश असूबी से बात हो गई नहीं, बट ठीक है। मुझे कब तक इंतजार करना भाई फुरकान? कल दोपहर तक, अरे कल आज शाम तक। आज शाम को जवाब, आपको जवाब दे देंगे इंशाल्लाह। मैं वैसे तो मैं हाँ ही समझू अपनी तरफ से। तुम अपनी तरफ से हाँ समझो, हमारी तरफ से जरा ये हमारी सब फैसला भी बाकी है। अब ठीक ठीक है, मैं शाम तक इंतजार करूँ। मेरा कल इम्तिहान है। ये बताओ हरा रंग किस कलर का होता है? हमें जलील करवा दे, तेरे बाप की कोई मालूमात नहीं है क्या? डार्क ब्लू। अब्बा मेरे पे गए, चल दे। अब्बा जी सब तैयारी हो गई है। देखो बेटे जी, खाना खुला बनवाना। जी जी, ये तो मुझे तपा के लिए कह रहे था, कभी कोई 40-500 चावल पके, कभी 8-10-11-12-25 देखे मंगवाओ। ठीक है, मेहमानों की लिस्ट बना दे, मेहमानों की लिस्ट बनाओ, सब काम ऐसा कराओ स्टैंडर्ड। ओके, आशीर्वाद अब्बा। मेरी मेरी रिवायती शेरवानी निकाल लो। रिवायती ठीक है, वली में निकर बनिया। वैसे अब्बा मुझे इन दोनों औरतों में मानता नजर नहीं आते, मैं इस शादी में बैठूंगा नहीं। तू खड़ा रहेगा ठीक है, जा दिखाओ। फुरकान साहब। जी साहब। फुरकान साहब। हेलो फुरकान साहब। अरे कैसी हो तुम? आप सुनाए कैसे हैं? क्या हुआ अचानक? अभी बताती बच्चे, तुम्हें लेने आ जा।
गुस्सा नहीं हो रहा है, एक आदमी है, एक आदमी करीब नहीं जान दे रहा, क्या मुसीबत है? अच्छा रहने दे, मुझे आपने मुबारकबाद भी नहीं दी ना। ये बताया नहीं? क्या नहीं बताया? मुबारकबाद किस बात की? भाई कॉलेज में फर्स्ट आई हूँ। मुबारक हो, हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे जो भी होता है वो, हैप्पी एनिवर्सरी। आपको पता है मैंने सब लड़कियों को पीछे छोड़ दिया था। बहुत अच्छा किया भाई, लड़कियों को तो पीछे छोड़ दो, कम्बा मारे को तुम्हारे सामने को लड़की कुछ है क्या? चाहे बस रहने दे। अच्छा फुरकान साहब मुझे ये तो बता दे कि आपकी मेहंदी में क्या पहनूं, निकाह में क्या पहनूं? बस मेहंदी निकाह में एक गरारा। एक गरारा कैसे? पहले उसे सीधा पहना, दूसरे दिन उल्टा, दो कलर भी हो जाएंगे और सिलाई का पता भी लग जाएगा कितनी हुई भी। ये क्या कह रहे हैं आप? ये नया स्टाइल है। अच्छा चले करके देखेंगे फिर। ओके आप इश्तियार देखा? नहीं। लाइफ बॉय में आता ना, नहाता है ड्राइवर, ड्राइवर उसमें है ये। अच्छा क्या हुआ भाई? ए क्या बोलती तू? ए क्या मैं बोलूं? सुन सुना आती क्या खंडाला? क्या करे आके ये खंडाला, घूमेंगे फिरेंगे गाएंगे ऐश करेंगे और क्या, और खाने कौन जाएंगे? अब्बा ये क्या चक्कर चला रहे हो? कुछ भी नहीं है, मेहमान है, अदब करो, चलो जाओ अपने काम का पर। जा रहा हूँ मैं शूटिंग पे, ठीक है ना? ठीक है। तो चक्कर जाए ना तो तुमको छोड़ूंगा नहीं, समझे? वो नहीं है, ये सिर्फ मेरे लिए बदमाश है। आपके लिए? हाँ हाँ भाई, तुम छोड़ो इन बातों को, टेंशन मत लो। अच्छा खाना क्या खाओगी? कुछ खा के भी आई हो कि नहीं? कुछ भी नहीं खाया, इतनी भूख लग रही है। अरे मैं बर्दाश्त नहीं करता, भूख लग रही है। जल्दी अपना, अबे अपना हालिमुद्दीन। अरे लड़की, अरे आओ छेड़ू, आओ हमारा कौमी खेल है, आओ। यही तुम लोगों की बदतमीजी है, लड़की को देखो बस छेड़ना है और बात नहीं है। चंदा मैं समझा कोई भूल के चला गया। खाना खाना है जी? जी अरे सरकार, और खाने का मेन्यू दो। मेन्यू सुनिए, सरकार ने पूरा मेन्यू तैयार करवाया आपके लिए, सुनिए। जी आलू गोभी, आलू आलू कीमा, कोफ्ते, चिकन फ्राई। अताई 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 माली के घर में काम करता है और तुझे लय का नहीं पता, गिनती नहीं पता तुझे, कैसे लय में कह, लय में कह। आलू गोभी, आलू गोश्त, आलू कीमा, कोफ्ते, पाए। नहीं क्या क्या है मुझे बता। आलू गोभी, आलू गोश्त, आलू कीमा, सिरी पाए। नहीं इसका ऐसे नहीं कहना जी, लय में कहना बेटा। आलू कीमा, आलू पालक, दाल फ्राई, कोफ्ते भाई, कोफ्ते भाई, कोफ्ते आ कोफ्ते, कल कोफ्ते, ये कोफ्ते तुम खाओगे, घर में सैया आएंगे, हम कोफ्ते बनाएंगे, कोफ्ते। हा हा ये लहर। आलू गोभी, आलू सरकार, आप आलू गोभी, आलू पालक, कोफ्ते, आप तो खानदानी है। अबे तो तू क्या पानदानी है? नहीं मैं तो भी बनने की कोशिश कर रहा है, बनाने जा रहा तेरे से। अब देखेगा। हाँ आलू गोभी, आलू गोश, आलू गोभी, गोभी आलू गोभी, आलू गोभी, गोभी गो। नया मेरा गाना क्लासिक। आलू गोभी, आलू गोश, आलू कीमा, कोफ्ते, चिकन कढ़ाई, दाल। नहीं छोड़ ली गंजन कर, ऐसे नहीं जी। चिकन कढ़ाई, चिकन कढ़ाई, चिकन कढ़ाई, मटन कढ़ाई, पाए नहीं पाए। चिकन कढ़ाई, चिकन कढ़ाई, पाए ये पाए, ये पाए। सैया घर आए हमने बैठ के खाए, ये पाए, ये पाए, ये पाए। कम्बा खट मारी,
कोफ्ते भाई कोफ्ते, चिकन कढ़ाई मटन कढ़ाई दाल चावल शामी कबाब। मशीन के कीमे के बना दिए ना आपने। हमें चाहिए हाथ तक उठा हुआ मोटा कीमा, हरी मिर्च बारी बारी उसमें कतरी पुदीना छिड़का हुआ, देखना नींबू निचोड़ा और ये खाना चाहिए। ठीक है, पालक गोश्त दाल चावल मटन कढ़ाई कड़ी चावल मछली फ्राई और पसंद है। सारी ट्रे गिरा दी बेटा, अब मेहमान क्या कुत्ता खाएंगे। हाँ? गिरा दिया सारा खाना उसने, जाओ वही रिवायती खाना लेके आओ, चाय पापे। चाय पापे? हाँ भाई, उंगलियां डुबो डुबो के खाओ, बड़ा मजा आता। नाखूनों में फंस जाता ना पापा, वो देखो नहीं, नहीं। पापा नाखूनों में फंसा, उसको निकालने का अलग मजा है। पापे चाय पापे ले आओ। नहीं चाय पापे नहीं खाऊंगी, मुर्गी मंगवा ले। मुर्गी ले आओगी पकड़ के? जिंदा खाओगे मुर्दा? मतलब पका के खाओगी ना? पका के ले आओ, पका के मुर्गी ले आओ। मुर्गी लानी है? हाँ मुर्गी ले आओ, मुर्गी ले आओ। ये क्या हो रहा है? मुर्गी का ऑर्डर दे रहे, मुर्गी ले आओ। अच्छा सरकार, आपके बच्चे को भी बुला लो। अंजाम साहब, अंजाम साहब, अंजाम साहब, अंजाम साहब। हाँ, ये तीनों आपके बेटे हैं? नहीं, ये दोनों है, मैं इनका भाई हूँ। मुझे तो यही बताया गया, ये असल में हमारे दूर के रिश्ते के अब्बा लगते हैं। हाँ, दो बस बदल के जाते हैं। ये तीनों मनुष आप ही के बेटे हैं? मुझे मनुष के बच्चे हैं, ये मेरे बच्चे हैं। अच्छा, ये तो मेरे कॉलेज में पढ़ते थे। ये दोनों पढ़ते थे, मैं तो इन्हें लेने जा रहा था। तुम लोग भाग क्यों गए थे? भागा कौन है, अल्हम्दुलिल्लाह घसीट के निकाला उन्होंने। भाई ये मेरे बच्चे हैं, और ये क्या नाम है तुम्हारा? वफा, तुमने की जो बेवफा, वो जो भी लड़की है ये आई में शादी में शिरकत करी, हमें मेहमान है, जाने रहेंगी भी यहीं। ठीक है, इनके खाने को घुमाना उमाना शहर दिखाना, मैं फिलहाल इनको उनके कमरे से छोड़ा। आओ आओ चलिए। अबे यहाँ से गुजरो ना। ये गाना आना क्या अमीर लोग मुर्गी खाते हैं, गरीबों की क्या लाइफ है? क्या जिंदगी में दो दफा मुर्गी खाते हो तुम लोग? कब? एक दफा जब बीमार हो तो जब खाते हो, एक दफा जब मुर्गी बीमार होती जब खाते हो। कल इनको नहीं देखा आपने? मोहल्ले में 5-6 कुत्तों के साथ टहल रहे हैं। मैंने कहा सरकार कहाँ घूम रहे? कह रहे चुप कर जा, अमेरिका से कजन आए। मेरा कजन आया, मेरा कजन आया। इनको देखो, कब्रिस्तान में जाके कब्रों के पास खड़े होकर कह रहे हैं ध्यान से सोया करो, आजकल चोरियां बहुत हो रही। उसका बता रहा, अपना नहीं बता रहा? क्या? पांच भाई हैं, पांच बेवकूफ होंगे सब, बड़े बेवकूफ। पांचों ने मिलकर कारोबार शुरू किया। क्या? एक टैक्सी ले ली, अब पैसेंजर कोई नहीं बैठ रहा। क्यों? अबे तीन पीछे बैठे में, दो आगे बैठे में। अरे सरकार, आपको तो इश्तिहार देखा है मैंने। मेरा इश्तिहार कब देखा? आजकल बच्चे बच्चे में आपका इश्तिहार बड़ा है, टीवी में आते हैं। कौन सा? वो जो आप आके बोलते हो 09007801 टेलीफोन। मेरे से पहले ये भी आता है। क्या? क्यों उदास बैठे हो? आओ तुम्हें मजे मजे के गाने सुनाएं। बड़ा जलील है, बहुत ही जलील है ये। भयानक बच्चे लगे, खुदा की कसम। इसके घर में डाकू आ गए, कुछ भी नहीं मिला, इसकी बीवी को उठा के ले गए। ये पीछे भागा, लोगों ने कहा दुश्मन के घर खाली हाथ नहीं जाते। वे? 2 किलो आम ले गया। अबे वो डाकू थे, दूल्हा भाई थे। अरे आप तो बात करें ना, यकीन करो बंदोड़ा चलेगा मेरे साथ। हाँ। कश्ती में बैठ के कश्ती वाले से कह रहे सुरागढ़ चलेगा। चलो जाओ, अब माल को नौकर बन के तमीज से रहा करो, नहीं हुआ करो। चलो बहुत अच्छे, दबाओ नॉन मैट्रिक। तनखा मांग लूंगा अभी, बता दो तो हम माफी मांग लेंगे। जा जाहिल। बात सुन रहे दोनों? हाँ, क्या? वो जो लड़की है ना वफा, हाँ। तुम दोनों की भाभी है। बेमानी नहीं करो, यही बात पहले मैंने सोची थी। अबे तू काहे का पागल है? पागल बन के लड्डू खाने के चक्कर में तू?
अबे तो पागल हूँ तो क्या जवान नहीं हूँ क्या? बहुत अच्छा भाई, अभी कोई किसी की भाभी नहीं है, कोई किसी की भाभी नहीं, जमहूरियत है, सबका हक है। तो फिर हम तीन ही है जमहूरियत में। एक काम करो, पहले तुम ट्राई करो, तुमसे बात बन गई ना तो तुम्हारी शादी। तुम लोग पिछड़ जाना, हम पिछड़ जाएंगे वरना फिर हम ट्राई करेंगे। अल्लाह मालिक है। ओके ओके। तू बड़ा भाई है, इज्जत का ख्याल रखना, जरा ध्यान से हारना। ठीक है बेटा, मैं हारूंगा लड़की के मुंह पे तेजाब फेंक दूंगा। पाकिस्तानी है ना, खेलेंगे ना खेलने देंगे। वफा वफा, हम दोनों मिलके लसबेला के पुल पे जुगी बनाएंगे, सैलाब आएगा। कितना मजा आएगा, मुझे तो तैरना भी नहीं आता, तुम्हें ही पकड़ लूंगा। बल्ला बल्ला बल्ला, वही गरीबों वाली बात, जुगी बनाएंगे। तू तो महल बना के आ रही है, क्या बदतमीजी है? इधर हो ना। क्या प्रिटी जिंटा? नहीं भाई। उधर से ऐश्वर्या? अच्छा। सामने से कजोल? नहीं भाई। मलका शिरावत? अच्छा। तुम्हारे में कोई शरीफ लड़कियों वाली बात नहीं है? ये मेरी तारीफ की आपने? करने लगा था, इधर उधर हो गया। बहुत सेवन आप, बहुत प्यारी लग रही हो। मुझे एक बात बताएं, ये आप मुझे मेरी तारीफ कर रहे हैं या मुझे बोल बच्चन दे रहे हैं? तो मैं अभिषेक बच्चन दे रहा हूँ। अभिषेक बच्चन कहाँ है? आंख बंद करके देख, शाहरुख लगता हूँ। आंख बंद करके कैसे दिखेंगे? बंद कर। आया था ना, आया था ना, आया था ना। अरे आपको तो बहुत सा खांसी है भाई। मैं इश्क कर रहा हूँ, वो ताजियत के लिए आ गई। तो क्या हो गया? मैं तुमसे प्यार करता हूँ। प्यार करते हैं आप मुझसे? कितना प्यार करते हैं? इतना बस। इतना बस। इतना बस। हाथ निकाल लू? ये कोई प्यार है? शाहरुख खान को देखे, फिल्म में जूही चावला के साथ कैसे प्यार करता है। इस बात के 6 करोड़ भी लेता है। हम शुरू करें तो खर्चे शुरू हो जाते हैं। सैमसंग का मोबाइल आया, ला के दे दो ना। हम ला के दे देते हैं, फोन किसी और के आ रहे होते हैं। हम मिला मिला के थक जाते हैं। अंदर से लड़की बोल रही होती है, आपका मतलूबा नंबर बिजी है, आप इजी रहें। तो सही है ना, मोबाइल फोन होता किस लिए? अबे तो हमने दिलाया, हमारे लिए होता है वो तो। क्या परेशानी है आपको? बहुत प्यारी लग रही हो, शेर कहूं? कोई अच्छा सा कहिएगा। अर्ज किया है, दोस्तों इनके हुसन पे ना जाना, ये एक हसीन धोखा है। दोस्तों इनके हुसन पे ना जाना, ये एक हसीन धोखा। हम समझते हैं हीरे की दुकान, दरअसल ये है पान का खोखा। ये कौन सी तारीफ हो रही है मेरी? ये अल्लामा वसीम अकरम का शेर है। वसीम अकरम? हाँ, वो शेर भी कहने लगा। माशाल्लाह बहुत प्यारी हैं आप। अच्छा, मैं चाहता हूँ मेरी आपकी शादी हो जाए। मैं हाँ। मैं शादी नहीं करूँगी। क्यों? इसलिए कि एक औरत कितनी कुर्बानी देती है, अपने माँ बाप का घर छोड़ के आती है, अपने बहन भाई छोड़ के आती है, सिर्फ एक मर्द के लिए। हाँ, फिर उसके घर आने के बाद उसके माँ बाप, उसके बहन भाई, रिश्तेदार भी तो छुड़वा देती है। क्या मतलब? बदले भी तो लेती हो तुम लोग। एक कमरे में गुजारा नहीं, 2 कमरे का ले लो, एडजस्ट हो जाऊंगी। फिर 8 कमरे में जाकर रुकती है मनुष्यों। तो कम बोल बचन दिया करो ना शादी से पहले। अच्छा, कोई आके बोले मैं गरीब हूँ, टका भी जेब में नहीं हो, शादी कर रही हो, तुम्हारा बाप भी नहीं करेगा। जरा तमीज से बात। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या प्यार? किस तरह का प्यार करती हैं? मैं इतना प्यार करता हूँ जितना एक पुलिस वाला मोटरसाइकिल वाले से करता है, जितना एक मोबाइल छीनने वाला मोबाइल वाले से करता है, जितना एक हीरोइनची हीरोइन से करता है। ये हीरोइनची में रात में ताकत कहाँ से आ जाती है? क्यों? अबे दिन में तो ढीले ढीले घूम रहे होते हैं, रात को गटर का ढक्कन भी चोरी करके ले आते मनु। हालांकि हमसे नहीं उठता, लेकिन वो उठा लेता है। ये बात तो है। वैसे आप मुझे एक बात बताएं। हाँ? आप वहाँ क्या कर रहे होते हैं? मैं बताएं? उनको समझाने जाता हूँ, वो समझते नहीं, 2 कश लगा के आ जाता हूँ। आप ही वहाँ होते हैं, मुझे तो लगता है। हम साथ जिएंगे। हाँ? अलग अलग मरेंगे। अलग अलग क्यों? तू पहले निकल गई, बच्चा तो नफे में निकल लेगा। बच्चा तो देखो अब्बा से बड़ा लगता है। नहीं करी शादी? नहीं। जाओ फिर, मेरी बद्दुआ है, जिससे तेरी शादी हो वो तेरा घूंघट उठाए, अल्लाह करे उसे सख्त नींद आ जाए।
चावल निकाल दिया, ये हर लड़की को बोल बच्चन करा दे। क्या परेशानी है आपको? एक बात बताओ। क्या? हम अपने मुन्ने का नाम क्या रखेंगे? मुन्ना तो होगा। हाँ? लेकिन तुम तो उसके मामू हो गए ना? होने तो मुझे क्या, मैं तो पागल हूँ। अपनी दफाए तो पागल बन गए सियाने। किसी ने किसी से तो शादी करोगी ना? मैं शादी किसी बिजनेसमैन से करूंगी। फिर तो मुझसे करनी पड़ेगी। तुम बिजनेसमैन हो? मैंने अभी लीजिंग पे ना दो बकरियां ली हैं। दो बकरियां? एक काली है, एक सफेद है। अच्छा, ये बताओ बकरियां दूध देती हैं? कौन सी वाली, काली वाली सफेद वाली? काली वाली। वो तो देती है। और सफेद वाली? वो भी देती है। अच्छा ये बताओ कितना दूध देती है? काली वाली सफेद वाली? सफेद वाली। सफेद वाली तो 2.5 किलो देती है। और काली वाली? वो भी 2.5 किलो। अच्छा एक बात बताओ, बच्चे हैं इनके? काली वाली के सफेद वाली के? काली वाली के। काली वाली के 4 बच्चे हैं। और सफेद वाली के? उसके भी 4। खाली बच्चों बच्चे पे गुजारा नहीं, अपनी दो दो टैक्सियां भी हैं। दो दो टैक्सियां तुम्हारे पास? हाँ। एक बात बताओ, तुम्हारी टैक्सियां सीएनजी हैं या पेट्रोल पे हैं? कौन सी वाली, काली वाली सफेद वाली? काली वाली। काली वाली तो सीएनजी है। और सफेद वाली? वो भी सीएनजी। अच्छा ये बताओ कुछ बिजनेस करती है, कमाती है? काली वाली सफेद वाली? काली वाली। वो तो 400 रुपए कमाती है। और सफेद वाली? वो भी 400। तुम कुछ बोला नहीं। क्या मतलब? स्कूल स्कूल पढ़ी हुई? हाँ स्कूल पढ़ी हुई हूँ। काले स्कूल में, सफेद स्कूल में? तुम स्कूल में स्कूल पढ़े भी हो? हाँ। काले वाले में, सफेद वाले में? पीले स्कूल में, जहाँ इंग्लिश 6 से शुरू होती है। अच्छा एक बात बताओ। हाँ? तुम्हारे अब्बा है काले वाले? सब नहीं, हमारे अब्बा पता था कि मेरा हुसन देख के चीखे निकल जाएंगी। इसीलिए मैं अपने आप को साफ पर्दों में छुपा के रखता हूं। तोबा तोबा, कहां से हसीन हो तुम? हसीन ही है, वरना मुंह धो के आ जाओ, सड़क के एक किनारे पे खड़ी हो जाओ, फिर देखते वेस्पा वाला पहले तुम्हें बिठाता है या मुझे बिठाता है। बात कर रही हो? अरे अपनी शक्ल देखो शीशे में। अभी शीशा देखा मैं डर गया। क्यों? मैंने बोला अरे घर में कुत्ता रखा भी नहीं, ये कहां से आ गया भाई? वो तो बाद में पता चला, बड़ा वाला भाई पीछे खड़ा हुआ था। मैं तो खूबसूरत लड़कियों को मुंह नहीं लगाता। क्यों मुंह नहीं लगाती? कभी मैं स्टूडियो में चला जाऊँ ना। हाँ? रीमा सना साइमा बैठी हूँ ना। हाँ? सलाम नहीं करता। क्यों? मुझे पता है जवाब तो देंगे नहीं, फायदा क्या। और तुम क्या अपने आप को बड़ी मॉडर्न समझती हो? बिल्कुल मैं हूँ। अंग्रेजी बोलने का शौक होता तुम जैसी लड़कियों को? क्या मतलब? जब रक्षे वाले फड्डा होता जब सुना करो, एक्सक्यूज मी तारीख उठ जाने कितनी प्राइस? 60 रुपए। आए अभी तो 30 दे के आई हूँ। कैसे? मैं तो तुम्हारी तरफ कभी आया नहीं। अरे आप फिल्मों में आते हैं ना? कैसे? मैंने आपकी वो फिल्म देखी थी। कौन सी? लानत है सर। तो तुम्हें भी शर्म आनी चाहिए ना, राधे को छोड़ के गंजे से शादी कर ली तुमने। क्या बदतमीजी है ये? प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं तुमसे। क्यों करना चाहते हैं? भाई ऐसे ही करना चाहते। मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। तो मैं क्या दुनिया में आम लेने आया हूँ क्या? भाई अल्लाह ताला ने खूबसूरत आदमी भेज दिया, उसे यूटिलाइज करो। भाई मेरे कुछ आइडियल है भाई। तुम्हारा क्या आइडियल है? तुम तो मूसा कॉलोनी में रहती हो। बदतमीजी नहीं करो मेरे साथ। अच्छा, समझे? क्या आइडियल? क्या मेरे आइडियल में किसी इंडियन एक्टर या सिंगर से शादी करूंगी। अच्छा इंडियन एक्टर या इंडियन सिंगर से? यस। अगर तुम ये साबित कर दो कि हमारे गाने इंडिया के गानों से अच्छे नहीं है तो मैं तुम्हारे रास्ते से हट जाऊंगा। अच्छा। और अगर मैंने ये साबित कर लिया कि हमारे गाने इंडिया के गानों से अच्छे तो क्या तुम शादी करोगी? मंजूर है। ये मंजूर कौन है बीच में? उसकी भी दरखास्त लगी हुई है क्या? देख लो फिर हमारा आपस में फड्डा ना हो। अरे शर्त मंजूर है। अच्छा शर्त मंजूर है। बताओ क्या है इंडिया के गाने? इंडिया के इतने सुपर हिट गाने, तुम्हें क्या बताओ? एक बता दो। वो गाना तुमने सुना है?
बोले चूड़ियां बोले कंगना। गाना ही गलत है। कैसे गलत है? चूड़ियां और कंगना बोल रहे, लड़की तो खामोश खड़ी हुई है। अरे हमारे गीत सुनो ना। क्या गीत है तुम्हारे? आओ जरा सुबह शरद की तरफ आओ, पिशावर की तरफ आओ, फिर बता दे तुम्हें क्या करके देखो। बनके मेरा परवाना आएगा अकबर खाना, कह दूंगी दिल भर जाना बखैर अगले या कुर्बान या कुर्बान। ये कोई गाना था? ये तो है बखैर अगले। बखैर अगले क्या? बस ये तो सेंसर की पाबंदी की वजह से नहीं बता रहे। अच्छा और क्या? कुछ भी नहीं है ओए, कुछ भी नहीं है। तो क्या है? आओ हमारे लियारी का राउंड लगाओ, लियारी का राउंड लगाओ, फिर बता दे तुम्हें। बाबुले सीरे सम बिमले वश मल्ले, चालू के सीरे सम बिमले वश मल्ले, सम बिमले मशंक बना बिमले मनाजर बना, सीधाले सीरे सम बिमले वश मल्ले बाबुले। बेटा। जी अम्मी। अपनी आंटी को बर्थडे कार्ड मेल कर दो। नो, ये नेट आवर्स को भी अभी खत्म होना था, इस वक्त नेट आवर्स कहाँ से मिलेंगे? परेशान होने की क्या है बात, जब टेलीफोन है साथ। अभी डायल करें 09007860 और हासिल करें फ्री नेट आवर्स। थैंक यू टेलीफोन। कहाँ है वो जालिम शहंशाह अकबर आजम? कहाँ है वो मगरूर शहंशाह अकबर आजम के जिनके खून से खुदा की बख्शी हुई सांस भी सीने में घोट दी जाती है? ये फूल मोहब्बत का पैगाम है ज़िले इलाही, और ये तलवार भी जंग का ऐलान है। कैद खाने के दरवाजे खोल दिए जाएं और अनारकली को रिहा कर दिया जाए। ये क्या अनारकली? तुमने हमें बोहरी बाजार बुलाया था और तो दोहरी बाजार में क्या कर रही हो? एक मिनट, तू यहाँ पे आ गया, शेरेटन में लोग ऐसे ही घुस रहे हैं। है? गेट पे खड़ा होता ना शेरटन के, वही है ना? फिर कौन है? मुझे क्या पता कौन है? कौन हो? हम शेखू हैं, हम मुगलिया सल्तनत के वो चश्मो चराग हैं जो अपने मन पसंद की अनारकली को लेते हैं। अनारकली, तुम्हें क्या हो गया है? हमने तुम्हारे खातिर जिले इलाही से बगावत की है, उनसे टक्कर ली है और तुम हमें चक्कर में डाल रही हो। देख वो साउथ अफ्रीका के बादशाह, ये कोई बात नहीं है, मेरी मंगेतर है, शादी होने वाली है, बादशाह बादशाह होंगे घर का। खामोश मुश्ताक। अच्छा मुश्ताक, मुश्ताक मतलब कौन है? मुझे क्या पता। कौन हो दरबारी? तुम्हें यलगार हो? तुम्हें देख के हमें ऐसा लग रहा है जैसे कोई तुम बीरबल की बेवा हो। ये कौन? मुझे क्या पता। कौन बीरबल? अरे आपने हमें नहीं पहचाना, हम मुगलिया दौर के शहद सलीम हैं। आपने हमें अभी तक नहीं पहचाना, आपको हमारी तहजीब में खड़ा हो जाना चाहिए था। और क्या, छस्से लग जाऊं मैं? ऐसा लगता है ये तुम्हारा पुराना काम है जो आज तक तुम कर रहे हो, अब इस काम को छोड़ दो और हमारी बात मानो, ये अनारकली हमारे हवाले करो। अब कौन है जो बहन की जेज का फराक पहन के आ गया? कौन हो तुम? लगता है तुम शाही आदाब से नावाकिफ हो। हम सीना सिपर होकर बांदाज गुजर जाते हैं और जिस शान से जीते हैं उसी शान से मर जाते हैं। तुम वो हो जिसे समंदर खा जाता है
और हम वो हैं जो समंदर को भी पी जाते हैं। तो सीधा सीधा बोलो जीनो, समंदर पी रहा है कौन है? कौन हो? लगता है हमें हमारे शाही लश्कर को बुलाना होगा और तुम्हारी गर्दन को खम करना होगा। अब पहचान गया, वो अदनान साहब नहीं है, शेख साहब के लड़के जो ड्रामा में काम करते हैं, है ना? ये उनके साथ काम करते हैं, मेरे ख्याल वही है ना? मैं वही हूँ और ईद मिलने के लिए यहाँ से गुजर रहा था। हाजी साहब कहाँ गए? हाजी साहब जी, हाजी साहब मंदिर गए आ रहे हैं। मंदिर गए? मैं उनसे ईद मिलने के लिए आया था, लेकिन वो कहाँ है? वो अभी आएंगे, मैं बुला लूंगा इंशाल्लाह। चलो ठीक है, उनको मेरा आदाब कीजिएगा। मैं कह दूंगा। ओके आदाब, आदाब बादशाह। ओके बादशाह, जिंदाबाद नाजमाबाद। चलो जवान दे जाके बर्तन। अच्छा बात सुनो, वो तुमने अपने अब्बू से शादी की बात की? मैंने? हाँ तुम्हें पता है तुम्हारी मेरी शादी होगी, मैंने हनीमून का प्रोग्राम भी सोचा हुआ है। कहाँ लेके जाओगे? स्विट्जरलैंड, अमेरिका, कनाडा, लंदन, पेरिस। ये वो जगह है जहाँ मेरा बाप भी नहीं जा सकता। हम चलेंगे मीरपुर माथेलो, खाला के घर वही मनाएंगे हनिया मुनिया। आ जाओ। हेलो, हाँ ताहिर प्रसाद, ये पास चल रहे 30 चिकन कढ़ाई फौरन भेज। किसके नाम पे? अल्लाह के नाम पे। जब मैं फुरकान साहब की दुल्हन बनूंगी और घूंघट निकालूंगी और ये गाना गाऊंगी, घूंघट उठा लू के घूंघट निकालू, जैया जी का कहना मैं मानू के टालू। टाल रे इसका कहना, वरना अगर तूने नहीं टाला तो मैं भी नोट हो गई, मैं तुझे टाल दूंगी। मेरी खुशी तो तुमसे देखी नहीं जाती। वो तो सच है ना, उसमें झूठ की क्या बात है? तुम यहाँ क्यों आई हो और क्या कर रही थी तुम? मैं प्रैक्टिस कर रही थी। मैं सोच रही थी जब फुरकान साहब मेरा घूंघट उठाएंगे तो उनकी क्या फीलिंग्स होगी। मैं यही फीलिंग्स होंगी। मुंह अच्छा ना हो ना इंसान का तो बात तो अच्छी कर लेनी चाहिए। अरे उस बात से मेरे मुंह का क्या ताल्लुक है? क्या बात है भाई, तुम इस घर में क्या कर रही हो? मैं तो मेरा घर है भाई, मेरा रिश्तेदार है, मैं किसी तरह भी आ सकती हूँ। तुम क्यों आई हो यहाँ पे? मैं इस घर की दुल्हन बनूंगी। ए मर जाएगी इस खुशफहमी में, समझ आई ना? फुरकान की दुल्हन मैं बनूंगी। किसी खुशफहमी में तुम भी मुब्तला नहीं रहना, समझे? दुल्हन मैं बनूंगी। ए आराम से बात करना, तमीज से बात करना, वरना यही मुंह खींच के मार दूंगी। अल्लाह माफी, इतना बड़ा ढोल जैसा मुंह है तुम्हारा। अबे चल ना, अपना मुंह तो देख, शुरू नहीं होता खत्म हो जाता है। मैं बहुत लिहाज करी तुम्हारा, समझे? ना कर लिहाज, क्या समझती हूँ तुम अपने आप? मैं बहुत कुछ समझती हूँ, तू क्या समझती है अपने आप को? हो एक मुंह उठा के आ गई, कमबख्त मारी नहीं तो गैर मिरासी मिरासियों में घुस गए। तुम लोग मिरासियों? अल्लाह का शुक्र हमारी कोई जात तो है। तुम लोगों से पूछो तुम्हारी जात क्या है, तुम लोग बोलते हम तो कम जात है। खबरदार जो मेरी जात पे कोई बात की तो समझे। और चलना क्या कर लेगी? अच्छा एक बात बताओ, तुम मिरासी हो? कभी गाना गाते हो? नहीं सुना तो तुम्हें क्यों सुनाऊं? 10,000 रुपए लेती हूँ, 2 एंट्रियां मारती हूँ, निकल लेती हूँ, तुम्हें फ्री में अपना फन दिखा दूँ मैं। चल आज प्यार में कोई गाना सुना दो। प्यार में तेरा वाला गाना सुनाऊंगी। मेरा वाला है ना? कौन सा? तुझे सुनने बाद यही बारी आने वाली है तेरी, तू वो गाना गाया कर। कौन सा? अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का दिया करो। अल्लाह ही अल्लाह तकम तकम, अल्लाह ही अल्लाह तकम तकम, अल्लाह ही अल्लाह। चलो ये तो मेरा वाला गाना हो। हाँ। अब अपना वाला गाना सुना। हाय मेरा गाना नजारों से भरपूर, शमा का शोला भड़क रहा है, दिल परवाना धड़क रहा है, रंग बदलती रात बड़ी रंगीन है, तू बड़ी कमीन है। ये गाने ना गाया करो तुम, ये गाना गाया करो। कौन सा? अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ। तो इसमें शक क्या है? बड़ा तकबूर है। अल्लाह माफी। अल्लाह माफी, कितने गुना किए तूने, बार बार माफी मांगे जा रही है। इसके जैसी औरतें होती हैं सिविल अस्पताल में, बच्चों को बेहोश करती। बेहोश मैं करती हूँ, जोर ये लगा रही है।
دے یہ منہ انسانیت کے کام آتا ہے دیکھ بچے کو دکھایا بچہ بے ہوش کلورو فارم کی بچت ابے تو اپنا منہ دیکھ مگن ماری دو سوٹ لو تیرا جیسا منہ فری ملتا ہے منہ رکھا ہوتا ہے اوپر لکھا ہوتا ہے ارد گرد گندگی نہ پھیلائے کچرا یہاں ڈالے بس بس میں اپنے منہ نہیں لگنا چاہتی بس تو تمہارے منہ اب ایسی چیزیں آئیں گی مجھے ڈرانے ابا تمہیں چیز کا جا جا کے کوئی انسان کا بچہ بھیج اوئے بچی سے لڑتی بچی سے اپنی برابر والے سے لڑنا سنبھال کے رکھ اپنی امی جیسی بچی کو ابا سامان تو مارا نا میری طرف سے کہیں تو مرد بن جاؤ چلو جا چلو جا آرام سے اوئے آرام سے کیا ہو گیا بلی اٹھا کے لے جائے گی چل ادھر آ تیرے پاس موٹر سے سنبھال یہ مردانہ آ گئی ابھی کائے کا مردانہ خدا کی قسم میرے پپا کو مارے گی میں بھی اس کے پپا کو ماروں چل مار میرا باپ تو تیری مار افورڈ کر لے گا یہ اس کا کیا حال ہوگا نہیں بیٹے نہیں بزرگوں پہ ہاتھ نہیں اٹھا یہ کیا ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے یہاں کے سارے محلے والے باہر انجوائے کر رہے ہنس رہے ہیں وہ لوگ سب لوگ بولے بھائی یہ گھر بڑا دلچسپ گھر ہے ہماری تو ناک کٹوا دی نا تم لوگوں نے کائے کی ناک کٹوا دی تم نے ہماری جو ناک کٹوا دی تمہاری وجہ سے یہ جھگڑا پڑ رہا ہے سارا کائے کا جھگڑا تم ادھر ہو کائے کا یہ بیٹی ہے ادھر آ میری بچی ادھر آ جا جان کے بچے بیچ میں سوتا ہوتا تم آخر ڈیسائیڈ کیوں نہیں کرتے تم کس سے شادی کرو گے کر تو لوں پہلے مجھے پتا تم کیوں آ رہی ہو بار بار کھسیانی بلی ایسی بلیاں ہوتی ہیں نا گھر میں سب مہمان کھانا کھا رہے یہ اچانک گھسے گی ادھر ہی کھڑے رہو ہاں بھائی کیا ہوا بھائی ابے ادھر آ ڈینٹرونک کے سیٹ کیا ہو رہا ہمارے ساتھ اس گھر میں یہ کیا ہو رہا ہے اس گھر میں تم لوگ کر رہے ہو میرے گھر میں یہ گھر میرا ہے ارے تو ہم نہ کریں وہ لڑائی چلی جا رہی ہے فرقان مجھ سے شادی کریں گے فرقان مجھ سے شادی کریں گے ہاں تو اور کیا کسی سے شادی نہیں کریں گے نہ فرقان کسی کی پیمنٹ کریں گے یہ کیا بات ہے شادی میں پیمنٹ کی بات کہاں سے آ گئی یہ گھر فرقان کا ہو رہا ہے اگر میری بیٹی کی شادی یہاں نہ ہوئی اللہ کی قسم میں ذبح کر کے جاؤں گا اس کو یہاں پہ کیا کہہ رہے ہو اپا ایسی بھرم کروا رہا ہوں ارے تو تمہارے بھرم میں نکل لوں گی نا بھرم کروا رہے ہو وہ یہاں مرڈر وڈر پلان نہ کریو بتا رہے ہو تم بتاؤ کرنا کیا ہم نے گئے بات کیا ہے ٹکے ٹکے کے لوگوں سے ذلیل کرا رہا ہے مجھے ابے او پانی کی بلی سیدھا کھڑا رہے بتا رہے ہو آپ لوگ یہیں پہ ٹھہریے آج فیصلہ ہو جائے گا آج فیصلہ کرو گے کریں گے دھوکا تو نہیں دو گے نہ دیں گے لیکن میں یہی رہوں گی جاؤں گی نہیں یہی رہ تو یہی رہ یہی رہوں گی نا تو ایک دلہن بن کے یہی رہ خلیل اللہ تو یہی رہ تو یہی رہ نہیں رہ میں بھی یہی رہوں گی میں تو پورا بیگ بھر کے لائی ہوں کپڑوں کا ٹی سپون فیس ہے ٹی سپون دوائی پیتے وقت ایسا منہ ہو جاتا ہے چلیے اندر جاؤ ان میں سے کسی ایک سے شادی کریں نہیں یار تم کوئی اچھا سا لاؤ کوئی رشتہ آپ کو پتا ہے میرے ڈیڈو آ رہے ڈڈو رات کے ٹائم بولو
बताओ क्या खबर है टेलीफोन की तुम्हारे पास? क्या जानते हो 09007-8601 के बारे में? बताओ। टेलीफोन की खबर मैं ले आया हूँ बोगेम्बो। बोगेम्बो खुश हो? टेलीफोन पर मोबाइल बैलेंस एंड मार्केट टिकट फ्री रेस्टोरेंट के पास एक फोन कॉल पर बोगेम्बो। बोगेम्बो खुश हुआ? टेलीफोन पर पसंदीदा गाने कहानियां लतीफे और तो आप मोबाइल से भी डायल कर सकते हैं बोगेम्बो। बोगेम्बो खुश हुआ? टेलीफोन के अंदर बहुत सारी चीजें बोगेम्बो, हम करोड़पति भी बन सकते हैं बोगेम्बो। बोगेम्बो खुश हुआ? उनके आगे से तो ये भी हटाना पड़ेगा, इसमें भी छुप जाएगा ये। मेरी बेटी। हाँ आपकी बेटी, मुझे मालूम है आपने भेज, भाई बड़ी मेहरबानी आपने एतमाद करके भेज दिया खैबर मेल से। हाँ जी बिल्कुल, रेल से भी नहीं भेजा, खैबर मेल से। खैबर मेल से भेजा। बाल बच्ची आ गई थी और यहाँ पे सेटल हो गई थी, कोई मसला नहीं है। ठीक है, आप बताइए सब खैरियत है? क्या लिया आप? ये कार्ड है शादी का। किसकी? इनकी। ये मेरी शादी का कार्ड है, आपको आया होगा ना? उसी सिलसिले में आप आए हैं। चले बहुत अच्छा हो गया कि आप आ गए, अब कम से कम बारात में लगेगा तो इंसान आए हैं। सही बात है। आप आगे आगे चलना। बिल्कुल ठीक है ना, ताकि पता ही ना चले कौन आया है, है ना? वो सब खैर खैरियत है। बिजनेस कैसा चल रहा? बहुत अच्छा चल रहा है। कौन चला रहे है? मेरा छोटा भाई चला रहा है। तुमसे भी छोटा कौन चला रहा? जमीन पे लेट के चला रही है क्या? वो काहे का कारोबार है, मट्टी चाटने का है क्या? नहीं, अपार्टमेंट बिल्डिंग, बिल्डिंग बड़ी बड़ी। आप क्या बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाते हो, उसमें खुद कैसे जाते तुम लोग? हम कैसे जाते हैं? सीढ़ियों चढ़ के। माशाल्लाह, छोटी सी थोड़ी पे शेव आई। बहुत प्यारे। अच्छा है बाप, बताइए। जी जी। अब पूरी शादी में शरीक होके जाना है? हाँ हाँ बिल्कुल। ये जहन में रखिएगा। क्या खिलाएंगे? क्या खा लोगे? कितना खा लोगे तुम? कितना खा लोगे भाई? वहां पे देखो, हमने अपने घर में बाजरा लटकाया चिड़ियों के लिए और ये समझ रहा है इसका डिनर है? ये खा गया बाजरा और पानी पी गया चिड़ियों का, इतना प्यारा है ये। अबे सारे काम इसके आदमी वाले, गंजा भी हो रहा है। सरकार आप कहे तो इनके लिए बिस्तर लगा दो संदूक में। ये हंसा हंसा के मार देगा, नौकर मार देगा मैं आजा। अच्छा भाई देखो, सब इंशाल्लाह ताला सारे काम ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, सब हो जाएगा, सब माशाल्लाह सब ठीक ठाक हो जाएगा, सब ठीक ठाक हो जाएगा। अब शरीक होके जाना। बिल्कुल। तब डैडी को ले जाओ, कमरा दिखाओ। इनको भी मतलब वो आपने अब्बू ही समझती हो ना? डैडू जाओ कमरा देखो, चलो जाओ शादी। बिल्ली तो उधर घूम रही है, रिक्वेस्ट करनी थी। बात मैंने कहा सुनी है? पहले आप ही की है सारी। अच्छा अच्छा, आप ही की। मैं ये कह रहा था, वो आपकी शादी हो रही है, नौकरानी से मेरी भी करवा दे। क्या हो गया? बताए क्या हुआ? क्या हुआ? नौकरानी से शादी तुम्हें शर्म नहीं आती? मनुष्य उसका एहतराम करो। क्यों? वो भी हमारी लिस्ट में है। तीन चार जगह आंकड़ा लगाया हुआ भाई। बहुत अच्छा तुमका। हाँ औरतें लड़ी है ना, वो काली थी ना, वो सफेद थी, वो जो नहीं है कासली से कलर की,
वो थी कम्बा झगड़ा किस बात हुआ? अबे वही शादी की बात वही रट लगा रखी कम्बा। करो जान छोड़ाओ। अबे जान तो छुड़ा ले, लेकिन मैंने जहन बना लिया भाई। क्या? अब मैं एक को तो मैं मुंतखब कर लूंगा। हाँ। अब मैं डर कहीं से रहा हूँ, रस्म और रिवाजों का मुझे पता नहीं चल लिया ना। तो हम बताएंगे ना बरस में। भाई आजकल की रस्म और रिवाज क्या है मुझे क्या पता क्या है? सही, मैं आजकल का थोड़ी हूँ। हाँ? मैं तो कल परसों का हूँ। तो अब्बा हम शादियां अटेंड करते हैं, हमें पता है रस्में क्या है। बेटे उधर आपने अब्बा आप देखो पहले दबा रहे हैं, अब्बा की शादी बच्चे करवा रहे हैं। ये एक नया चेंज ला रही हूँ, ठीक है, तुम्हारे लिए कर रहे हो। तुम्हारे माँ मिल जाए अब्बा, हमें पता है, आपका पता है अब्बा। चल ठीक है बेटे, तुम शाह तो फिर कुछ करो बेटा। हाँ तो हम बता दे तुम्हें रस्में। मैं बताऊंगा ना, मैं बताऊंगा। नहीं तू नहीं बताई बेटा, तू पागल है, तू नहीं बताई मेरा बच्चा। यार पहली वाली शादी में नहीं बताया था? नो, आज ये राज खोल ही दूंगा। क्या? ये बेटा नहीं है मेरा। कौन है ये? जब तुम्हारी माँ से मेरी शादी हुई बेटा, घूंघट उठाया, ये अंदर बैठा बीड़ी पी रहा था। ले पालक है? ले पालक नहीं है। फिर? ले पागल। पालक ले पागल। सुनो भाई तुम बाबा आ रहा, मैंने तो अपने बच्चों की तरह पाला है ना। मैं तो अब्बू ही समझता हूँ। समझो बेटा अब्बू, समझो अब्बू ही तुम्हारा। हाँ ये बताओ। हाँ, रस्म अब्बा में बता दो। रस्में मुझे समझा। अब आ गई? नहीं नहीं, रस्म खुल खुला के रस्में आई नहीं। सबसे पहले होता है कि दूल्हा दुल्हन दूध में अंगूठी ढूंढते हैं। दूध में अंगूठी ढूंढते। अबे तेरा बाप जीत जाएगा ये। कैसे? हम खुदा बाद जीत जाऊंगा। कैसे? अबे ऐसा हमारे जमाने स्कूल के जमाने में खेल होता था, हमारे हाथ बांध के ना रस्सी से और कीचड़ में ठंडी ढूंढो। अल्लाह कसम मैं तो दांत से पकड़ के लिया था ऐसा। ओए अब पता चला तुझे अब्बा ठन्नी ठन्नी क्यों कहते? अबे क्या तू हमारे लिए पागल हुआ है? और बताओ और बताओ। और एक रस्म है अब्बा, दुल्हन वाले लड्डू में मिर्चे डाल के देते हैं दूल्हा को। फिर? तो लड्डू खाना पड़ेगा मिर्चे समेत। तो खा लूंगा मैं तो यार, केएमसी में था पहले। अच्छा, वो कुत्ते मार मुहिम शुरू होती ना, वो रसमलाई में कैप्सूल डाल के देते, मैं सारी रसमलाइयां खा जाता था। कुत्ते मुझे देखते रहते थे। एक दिन तो कुत्ता बोल ही पड़ा, करा बेचा कैप्सूल वाली दे दे, एक तो दे दे। कुत्तों को बुलवा दिया भाई, मैं तो ऐसा जालिम आदमी था। तो कैप्सूल कहाँ जाता था? ये मेरे खाने की टेक्निक थी, ये रसमलाई खाई, इधर कैप्सूल जमा हो रहा है, रसमलाई अंदर जा रही। ये था तुम्हारे बाप की कारीगरी। ये जी जाऊंगा अंगूठी वाला छोड़ो। और बता, एक रस्म और होती है अब्बा, दुल्हन को उठा के ना ऊपर ले जाते। वो तो बेटा फरिश्तों की ड्यूटी, उसमें नहीं बोलो, वो स्टाफ उनका है, वो अपना काम करते हैं, हमारा नहीं। अरे कमरे में ले जाते हैं अब्बा। अब्बा की उम्र ज्यादा, हम ले जाएंगे अम्मी को। खबरदार मैं बता रहा, ये नहीं करना मैं। और ये तो है भी पागल, लेके भागी ना जाए। खुदा के तो मार दूंगा इसे। अब्बा यहाँ तक की रस्में तो हमें पता है, बाकी कमरे के अंदर जाने की। हाँ, उसकी रिहर्सल कर लो। कमरे में कैसे जाओगे जरा सा? कमरे दरवाजे में जाऊंगा और क्या जाऊंगा, माहौल बनाओ ना थोड़ा सा। अगर अगरबत्ती लगा दो अंदर जाके, माहौल खाएगा। अरे तो दूल्हा बनोगे जरा सा प्रैक्टिस हो जाए उसका। यार मेरा ड्रेस वाला नहीं आया। ड्रेस वाला कौन? ड्रेस वाला दर्जी मेरा यार। हाँ उसको बुलाओ, आया हुआ है। अच्छा आया हुआ है तो अंदर क्यों नहीं ला रहा उसे? यासीन बुलाओ उसे। वालेकुम। क्या हाल है यासीन? ठीक ठाक सर। भाई देख लो किस्मत की लगी हो भैया, आ गए तुम लेकर आखिरकार, टाइम पे पहुंचे हो। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। ये है शेरवानी, ये पहनेंगे तुम्हारे पप्पा। ठीक है, ये रख लो, ये रख लो बेटा शेरवानी। ठीक है, ये वाले कपड़े ले जाओ बेटा, ये हमने खरीद ली 25 रुपए में। जाओ अलमारी में ले जाकर डालो। ये रखो, जब रिहर्सल करूंगा तब भी पहन लूंगा ना। ये रखो। ठीक है, एक काम करते अब्बा, वो जो लड़की आए ना वफा, यही रखना, उसे काम करने दो। बोले हलीमुद्दीन, हलीमुद्दीन यहाँ रख दे, यहाँ रख दे। रखो कैसे, इसमें तो लटकाने का लगा हुआ, इसमें लटका दे, इसमें लटका दे। टाइम का जाया करना बहुत बुरी बात है, ये बहुत बुरी बात है, ये बेटे बहुत बुरी बात है, यहाँ रख दे। ओ रख दिया अब्बा, रख दिया, हमें भी जलील करवा रहा है। अब एक काम करते अब्बा,
कमरे में जाना है ना, लड़की जो आए ना वफा, उसको टेम्परेरी दुल्हन बना देते, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। वफा के साथ उसका लट्टू भी तो आया हुआ है। कौन? उसका वालिद लट्टू, मिर्जा लट्टू। तो क्या हुआ, उसको बुला के रिहर्सल ही तो करनी है। बोलो बुला, तुम्हारी जिम्मेदारी, तुम जो झनी तौर पर तैयार करना, मैं कहता हूँ अच्छा नहीं लगूंगा। हम भाई वफा। हाँ अच्छा बुला जी। अब्बा समझा दो। ये साथ साथ घूम रहा अब्बा? ये कौन है? ये वफा के अब्बू है। अच्छा। ये कब हुए? अरे ये आपके अब्बू हैं, स्कूल छोड़ने आप जाती हैं इनको? बात से कितनी दफा मैंने कहा है बगैर पैसों के मत हंसाया मत हंसाओ, फनकार हो तुम, फनकार। ये तो घर है, फनकार फैमिली है भाई। आपने मुझे बुलाया? हाँ भाई। क्या हुआ? बात कौन शुरू करेगा? तो आप करो ना। वो मसला ये चल रहा था कि झिझक नहीं खुल रही मेरी जी, झिझक नहीं खुल रही, बात करने का हौसला नहीं बढ़ रहा है, झिझक नहीं खुल रही है। वो शादी हो रही ना हमारे जैसे, तो अब यानी कि बातचीत तो करनी पड़ेगी लंबिया से, जिसे हो रही शादी। अच्छा। तो बात करने के लिए जाइए, हौसला चाहिए, हौसले के लिए पहले से बात कर लो, अच्छे से आदमी झिझक नहीं रहती फिर, है ना। तो झिझक के सिलसिले बात करनी, मैंने कहा झिझक उझक उतर जाए, खेल में बात बात कर ले। तो आपस के अंदर बैठे, तो उसमें क्या हालत चलता, मैंने कहा बच्चे भी देख रहे हैं, खड़े बैठा आधा सारा सामान देख रहे, बात नहीं आपस में बैठ के बात कर लेंगे, झिझक की बात है बस। अब्बा शर्माते हैं ना। तो मैं क्या करूं? आपको सिर्फ दुल्हन बनके यहाँ पर बैठना है, अब्बा कमरे में आएंगे। ये अच्छा अच्छा रिहर्सल करनी है आपने? अरे यार ये तो अच्छी बच्ची हुई है, रिहर्सल का इसको पता है रिहर्सल? हाँ एक्टिंग करनी है। आपकी इजाजत है खलील भाई? खलील भाई अमिर साहब प्लीज, आपकी इजाजत हो तो ये कर लें प्लीज रिहर्सल। हाँ आप बाहर आए अब्बा, आप बाहर। अरे अब्बा आप तो आओ, आपके सामने नहीं हो सकेगी क्योंकि आपका कदम कदम फर्क है, हमारा आमना सामना नहीं हो सकता। आप वहम कर रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, आप जाए। फीडर फीडर मैंने तैयार करा दिया आपने। अब्बा पे भरोसा नहीं है, बच्ची पे तैयार है। आप तो कमरे से बाहर निकलो। आप कमरे से बाहर आओ अब्बा, आओ जरा माहौल बना के जाओ है? आप जाओ पहले दरवाजा और बना दो। डरा डरा डरा, क्या हो गया? दुल्हन के पास जा रहे हो, कोई बैंक लूटने जा रहे हो क्या? अबे ये दो फायर तो आजकल आम है। पहले जाके आप दरवाजा खटखटाओ। काहे को मैं दूध वाला हूं क्या? मैं दरवाजा काहे का खटखटाऊंगा, मेरा अपना घर है, दरवाजा क्यों खटखटाऊं? मैं जाऊं सीधा, मुझे कौन रोकने वाला है? अच्छा खांस लो। वो चल लड़की समझे भाई, इसे धमा है, वो मेरे को एकदम उठा के तो बाम लगा दे, ये लो जाओ। अरे यार खटखटाना जरूरी होता है ताकि अंदर वाली पार्टी को पता हो दुश्मन ने हमला कर दिया। अबे क्या यहूदियों में शादी हो रही है मेरी क्या? नहीं अच्छा आप नॉक करो, खट खट। मैं कर मुंह से कर दूंगा भाई, ठक ठक। अंदर से आवाज आएगी, कौन? कौन जी? मैं जॉन। जॉन? अरे जॉन बोली हुआ यार। जॉन नहीं, वो बोले कौन? आप बोलो भाई मैं वो हूँ जिससे आधे घंटे पहले आपसे शादी हुई थी, तो उसी सिलसिले में आया हूँ। अबे उसी सिलसिले में क्या आया हूँ? और वो अंदर से कह रहे भाई इस सिलसिले को आप खत्म समझे थे। समझा भाई? यार मैं बता रहा हूँ, आप अंदर जाना, अंदर जाकर बोलना डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। मैं क्या डॉन भी होगा अंदर? आप डॉन हो? आप क्या? मैं डॉन हूँ? शक 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 गलत गलत डायलॉग बता रहा, डॉन का डायलॉग बता रहा। डॉन तो फिलाप भी हो गई। डॉन फिलाप हो गई? डॉन फिलाप हो गई। अबे यार क्या हुआ? अब सारा लोड मेरे पे आ जाएगा। अब चलो अल्लाह मालिक, आप उठा लोगे लोड। अब मैं डायलॉग बोलो यार, बुरा नहीं। तू समझा? आप जाके दुल्हन को बोलना अब्बा आपने अब तक जेल की सलाखों का लोहा देखा जेलर साहब, कालिया की हिम्मत का फलाद नहीं देखा। अच्छा वो बोले जी आप कालिया को बुला ले, फिर उनसे बात करवाए मैं। तो भाई यार ये तुम लोग मुझे फंसा रहे हो, वो मेरे को बोले कि तुम्हारा गले से सरिया मोड़ के दिखाओ।
क्या बोलेगी, हाथ मार के चरपाई का पाया तोड़ो यार, मेरे को इसी दाम में डाल ताकत आकत। अब एक काम करो, अपना कल्चर अपनाओ, जाके कहो आदाब। ये बस देखो ये क्या इतनी आसान बात है, आदाब कर दो, इसी में जान छोड़ाओ। चलो कमरे में जाके दिखाओ, जाके दिखाओ। अबे क्या तड़िया दे रहे तुम नंबर, हम देखेंगे ना आप कैसे जा रहे हो। अच्छा देख लो मैं क्या जा रहा हूँ। अबे क्या स्लिप में कैच पकड़ोगे क्या तुम लोग, इतनी टाइट फील्डिंग, मैं तो एक रन भी नहीं ले सकूंगा भैया। यार जरा थोड़ा मार्जिन रखो यार, मैं फील्डिंग ऐसे ना करो यार। अबे तुम लोग अंदर ही आ गए हो, कमरे में ही हो, तो हमसे क्या, हमारी तो अम्मी है और क्या, हम लोग अम्मी के पास रहेंगे। सही, अब क्या करूं, आदाब आदाब। अच्छा क्या हुआ? अबे यार पता नहीं यार, देखो ना मैं भागता हुआ आया हूँ ना, मैंने कोई वैसा कुछ ना मैं दौड़ा हूँ कुछ भी, बहुत सांस क्यों फूल लिया है? क्या ऐसा होता है कि सांस फूलता है? शुरू में होता है। अच्छा अच्छा भाई एक मिनट, आप घूंघट निकाले, आप अब्बा टीटी निकालो और मोबाइल छीन के भाग जाओ। ये तेरी खांसी लगी है। मेरे कब है? ये कुत्ता खांसी नहीं है, तो तू दूर रहे काम हो जाए आपस में, जान से मार दूंगा लाइटर ले दो। हाँ जी आदाब आदाब। वालेकुम आदाब। अबे इसकी तो पहले से रिहर्सल हुई है भाई, ये तो इसने तो एक मिनट भी नहीं लिया यार, पता नहीं हम तो कब से रिहर्सल करके मर गए यार। यार खुदा कॉलेज में मैंने बहुत ड्रामे किए ना। कॉलेज में ड्रामे करती रही हो जी? चलो ठीक है फिर, मैं चली जाऊंगी वरना। नहीं नहीं अब्बा की रिहर्सल पूरी हो जाए, पूरी। अब अब्बा पिछली जिंदगी के बारे में बताओ। पिछली जिंदगी? हाँ। हमारे घर के पीछे गंदी गली थी। जिंदगी जिंदगी गली नहीं। अच्छा अच्छा मैं बता रहा हूँ, बता रहा हूँ पिछली जिंदगी के बारे में। हाँ। When I was doctor, doctor? I was doctor, really, I tell you, this is true. I was doctor and I'm telling you my about the first operation. Yeah, yeah. पहला ऑपरेशन मैंने किया और आप यकीन करें मैंने बंदा खोल दिया ठीक। अब मेरे से बंद नहीं हो रहा वो। अब बंद नहीं हो रहा वो। अब बंद नहीं हो रहा, तो दो तीन दफा बंद किया तो उल्टा ही बंद हो रहा वो। फिर मैंने वैसे ही दे दिया उनको बाहर निकल के, मैंने कहा आप लोग खुद शीशा लीजिएगा, मैं तो रिटायर हो रहा हूँ। फिर मैं बन गया इंजीनियर। अरे बिल्डिंग नहीं बनाते, इंजीनियर। इंजीनियर से बड़े होते हैं। इंजीनियर बन गया उसके अंदर भाई एक माले की बिल्डिंग बनाई। हाँ। दूसरा माला नहीं बन रहा। क्यों? आज जब बनाता हूँ टेढ़ा यादव, बस कुछ ऐसा हो गया, बहरहाल मटेरियल का भी प्रॉब्लम होता है। तो ये थी मेरी पिछली कहानी। अब रोमांटिक गाने गाने आते हैं? गाने हाँ हाँ क्यों नहीं आते यार। अबे गाने के लिए वो है ना यार टेलीफोन, वहाँ पे नंबर मिला। हाँ। वाह उधर वो गाने भी सुनाएंगे वो तो अच्छा 09900701। वेरी गुड, तू तो उनका आदमी लग रहा है भाई। वो गाने सुनाए शादी के उनसे हो रही है। अच्छा मैं सुना रहा हूँ। अच्छा अब बाबा तो जेवर कहाँ से लाओगे? जेवर के लिए तो मैंने अपने दोस्त की दुकान खोजी है, ग्लिस की ज्वेलर। गैलेक्सी ज्वेलर? गैलेक्सी ज्वेलर हाँ, नदीम भाई है, बहुत डिस्काउंट देते हैं, तुम वहीं से लेना जब तुम्हारी शादी हो तो। बहुत डिस्काउंट देते हैं, सिर्फ जो है ना कोल्ड ड्रिंक के पैसे लेते हैं, जेवर फ्री देते हैं। अच्छा तुम तो लुटवा दो। क्या हुआ यार, क्या हुआ? देख लो बाकी सारे वहीं ना पहुंचे हुए हूँ। अच्छा मैं गाने रोमांटिक गाने रोमांटिक गाने। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब
गाना गलत है ये। क्यों? अब कह रहा महबूब आया है, हालांकि वो आई है। तुम्ही हो महबूब मेरे। अबे ये लोग भी अंधेरे ही होंगे बाजे वाले। अबे बहुत छोटा कमरा है वो, 10x12 का कमरा है वो। अरे भाई ये तेजे उतार के वापस चले जाएंगे। चल ठीक है, अब शेर और शायरी, रोमांटिक गाना। हम मेरी बहन। अब्बा क्या कर रहे हो, इतना खर्चा हो रहा। शेर सुनाओ। मेरी बहन है तो मैं गा नहीं सकता। शेर सुनाता हूँ। शेर और शायरी कर लो। ए हुस्न बा जमाल, भाई क्या हुस्न है, क्या रूप है, क्या जमाल है। क्या हुस्न है, क्या रूप है, क्या रूप है, क्या जमाल है। वो भीड़ में भी आए तो तन्हा दिखाई दे। और तेरा चेहरा तेरी जुल्फों से यूं निकले, तेरा चेहरा तेरी जुल्फों से क्यों निकले, हजार उलझनों का जैसे कोई हल निकले। एक और उस्ताद अभी ठहर गया, डीजल डलवानो फिर सुनाऊंगा। उस्ताद उस्ताद क्या, मैं W3 चला रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, बदतमीज आदमी। हाँ भाई शेर सारी हो रही है। अब्बा तुम भी सुना ना कोई शेर मेरे। मैं अर्ज करूँ अब्बा? हाँ करो। अर्ज किया है क्या? नहीं मेरे अब्बा के सामने किसी औरत की क्लास। दोबारा हो जाए, दोबारा। नहीं मेरे अब्बा के सामने किसी औरत की क्लास। ₹2 में अनन्नास का गिलास। लो भाई मेरे शेर पे तो शरबत डाल दिया अब्बा ने। अबे तू क्या दुल्हन ठेले पे बैठी है क्या? ले लाटे ले लो, ले लो भाई। अब्बा शेर अर्ज क्या है, शेर अर्ज क्या अब्बा? कि हमें तो अपनों ने मारा, गैरों में कहां दम था। लो बे यार, मैं जमल तो जाहिल आदमी है क्या, खुदा की कदम गहरी बात कर गया भाई तू। तो उससे हो गई तू कर गया, तो भाई हमें तो अपनों ने मारा, गैरों में कहां दम था। हमें तो अपनों ने मारा, गैरों में कहां दम था। आज मुझे चरस नहीं मिली, 10 का नोट कम था। हमें तो अपनों ने मारा, हमें तो अपनों ने मारा, गैरों में कहां दम था। आज मुझे चरस नहीं मिली, 10 का नोट कम था। लो नीच हुआ, बस ये चरसी कम था। बच्चे का भला भी बहुत था। पैदा हुआ, नर्स ने मेरी गोद में लिया, मैंने फेंक दिया, गरम बहुत था। पागल तेरी याद कर रहे हैं।
शर्मा रहे, लग रहा अम्मा घूंघट उठाएंगी। नहीं लिया ना तुम लाभ पर आसपास रेल से तो हो गई ना भाई। नहीं यार, अब फिर हो जाए ये ना करो। शेरो शायरी अभी रहती अभी है, रहती है ना। हाँ भाई, भाई गुलाब की तरह हो तुम, अब्बा मुझे ला दो कुमकुम। ये टीवी में आ रही है, उसमें ले ले। मैं पागल नहीं हूँ, चल फिर आपस में मत लड़ो। मैं बता रहा हूँ जी, एक औरत बैठी हुई है। हक मेहर तो माफ करो। लो हाँ, हक मेहर वाली बात तो एक बात तो हकमेर। कितने हकमेर का डिसाइड? 20 लाख। 2 लाख है भाई, 2 लाख। तू 20 लाख कर दे। हैरतनाक आंखों वाले, 20 लाख। ये 2 लाख की बात हुई है। 2 लाख माफ करो। 2 लाख माना के खुशी का मौका है, लेकिन खुशियों के साथ गम तो रहते ही है ना। मेरे इन बच्चों की तरफ देखो, इसे कैंसर है। इसे तपेदिक के साथ काली खांसी, फालिज। मैं पागल ही ठीक हूं। अब इन बच्चों के सामने क्या 2 लाख रुपए लेनी भी अच्छी लगोगी? खुदा गली हमारे बच्चों पर रहम करे, 2 लाख रुपए माफ कर दो, हम नहीं दे रहे के काबिल। अब पैसे माफ कर दो अल्लाह के वास्ते। अरे मैंने आपको माफ किया, हमें पल्ले से भी दो। उस्ताद जब ये लड़की ने माफ कर दिया, वो तो बुढ़िया है, वो तो उनका दिमाग भुलक्कड़ है। बस सही है अब्बा, ये सही है। आप समझ गए ना कि किस तरह बात करनी है? वेरी नाइस। बुला लो पार्टियों को, बुलाओ उनको। बोला अब्बा तैयार है, शेरवानी भी पहन लियो। ओके, अब आपको फैसला करके रहना, प्लास्टिक उधर कर दे बेटा। भाई मेरे चारों, ये क्या, ये मुझसे अबे क्या है? तुम लोग क्या फेरे लेके आ रहे हो भाई? ऑफर है इनकी। अरे बैठो, आज फैसला होगा। बैठो कपूर भाई, बैठ बैठे। अब्बा इन दोनों में शेर किया? हाँ भाई, आराम से, तसल्ली से बेटा। दो सहेलियां बचपन की, दो सहेलियां बचपन की, एक 50 की एक 55 की। एक काली एक सफेद वाली, बताओ कौन सी? बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। लो भाई आ, ए कदीम औरतों, तुम्हारे फफूंदी लगे हुए कान आज पहली मर्तबा शहनाई की आवाज सुनी। तू भी सुन ले, और इस दफा अल्लाह ताला से दुआ करके ना कान के बाल कटवा लियो है। तो ओहो, आजकल भी टैक्सी चला रहे लती भाई? अच्छा बहरहाल, तो मैं अर्ज कर रहा था भाई, शादी तो
जनवरी के बाद होती है। आप तो मेरा पूछते ही नहीं है, जनवरी से ये सब कुछ क्या हो रहा है? बेटे जी शादी हो रही है, तुम्हें क्या हो गया जनवरी? जेगी किसकी शादी हो रही है? मेरी हो रही है बेटा। आपकी शादी? हाँ। इस उम्र में? इस उम्र में क्या तुम लोगों के लिए कर रहे हो, बच्चों के लिए कर रहे हो, ताकि तुम लोगों को मां मिल जाए। डैडी आपके पांच पांच जवान बच्चे हैं। तो क्या हुआ, जवान है तो क्या करूं, ऊपर क्या करूं मैं? भैया भैया कौन है? छोटा तो बड़ा गुस्सा आ रहा, तू क्या आया भाई? आ गया। देखो डैडी शादी कर रहे हैं। अच्छा अब्बा शादी कर रहे हो? नहीं नहीं मानो नहीं, मैं एक मिनट रुक जा, अब बच्चा थोड़ी देर की बात है। रुक जा एक मिनट, रुक जा बात कर। नहीं नहीं बात बात तो कर रहे थे। अब्बा अब्बा खुद नहीं कर रहा है, वो दोनों करा रहे हैं। कौन करा रहा है? वो रे शादी कर लेंगे तो आपका प्यार बच जाएगा। मेरा प्यार नहीं बटेगा। तुम मुझे बताओ तुम्हारा कोई मसला है? डैडी आपको नहीं पता कि मेरे गुर्दे फेल हो चुके हैं। फेल हो गए तो इसमें घबराने की क्या बात है, ट्यूशन लगवा दें, अगले साल पास हो जाएंगे। फेल? अब्बा गुर्दे खराब हो गए। खराब हो गए? अरे तो तुझे काहे का गम है शहजादी, तेरे चार चार जवान भाई है, एक एक गुर्दा भी देंगे तो दो गुर्दे तो तेरे पास फालतू आ जाएंगे। चल रहे बहन को गुर्दा दे। क्या हो गया, एक बेच के तो मोटरसाइकिल लिए। तू इधर आवे अपना किशमिश, इधर आ। चल बहन को गुर्दा दे। अब्बा मैं उसको गुर्दा बेच के मोटरसाइकिल ले रहा हूं उससे। बेटे तुम आओ गुर्दा दो बहन को, काला वाला सफेद वाला। पागलों का दिमाग ही नहीं होता, गुर्दा कहां से होगा? हाँ भाई अपना ये मेरा बच्चा बड़ा प्यारा है, बहुत अच्छा बच्चा है, दांतों से गधा उठा लेता है, ऐसा प्यारा बच्चा, ताकतवर। चल बेटा दे। अब्बा शादी कर रहे हो ना? हाँ। गुर्दा भी दो इसको। हाँ दो गुर्दा। आप भी बापो, आप गुर्दा दो। क्या हो गया आप पागलो? अरे वो लड़की है, मैं मर्द हूँ, गुर्दा कहाँ मैच होगा। वाह औरतों के गुर्दे में चुटिया लगी रहती है। तू ले ले भैया, चल अंदर। गुर्दा दे नहीं सकता, बातें कर रहा है, इसे बच्चों की तरह पाला। कल पैर दबाते हुए कह रहा था जान ले लो सेठ साहब मेरी जान, यार एक गुर्दा दे। मैंने खुद किसी से लेके लगवाया। बचपन का दोस्त वाटर बाउल। चलो बेटी को गुर्दा, तेरी बेटी है, गुर्दा दे। गुर्दा मैंने खुद बकरी के लगाए। आपसे तो पूछने ही बुरी बात है, क्योंकि इतनी बड़ी तो गुर्दे में पथरी होती है। हाँ भाई चलाक औरत, तेरा क्या इरादा है? मैं गुर्दा दूँ? हाँ? ना भाई ना, मेरा तो पहले पिता नहीं है। पिता नहीं, तेरा पता नहीं है। हाँ भाई, हाँ भाई गुजराती अखबार के कार्टून तू देगा ना गुर्दा? मैं गुर्दा तू? मैंने आज तक किसी को ईद ही नहीं दी। अपना बंदर की पैलोठी की बेटी तुम गुर्दा दोगी? कोई सुन नहीं रहा, किसी को आवाज नहीं आ रही, किसी के दिल पे असर नहीं हो रहा, लेकिन एक बाप तो सोचेगा ना। सारी दुनिया की चीजें बेच दूंगा बेटे, ये सारे अफगानी कारपेट बेच दूंगा। कारपेट? हाँ बेटा, लेकिन मैं तेरे गुर्दे लगवाऊंगा। डैडी आज अगर मेरी माँ जिंदा होती तो मुझे अपना दिल निकाल कर दे देती। पूछिए आप सब, किसी की जान बचाने के लिए गुर्दा नहीं दे सकते? मैं दूंगी इसे गुर्दा। जी हाँ फुरकान साहब, और ये नहीं कि आपकी दौलत के लालच में, सिर्फ इंसानियत के नाते। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। ये है
वो लड़की जिसमें इंसानियत कूट कूट के भरी हुई है। इधर आओ, बैठो हमारे पास, आज तुम्हें इस इंसानियत का इनाम देंगे हम। शुक्रिया। हमारे चार चार बेटे हैं माशाल्लाह। शुक्रिया। इसका सलाह दो अब्बा, इसकी मेरे साथ शादी कराओ, इसे इनाम मिलेगा इनाम। हाँ मैं हूँ, बड़ा मैं हूँ, मुझसे शादी होगी। बड़ा मैं हूँ, छोटा मैं हूँ। हाँ तो बड़ा मैं हूँ। इसकी शादी सबसे बड़े से होगी। थैंक यू अब्बा। और सबसे बड़ा मैं हूँ, हमने इसे खानदान के लिए चुन लिया है, क्योंकि ये पूरे खानदान का ध्यान रखेगी। इतनी कम हुआ लड़की, जमाना क्या कहेगा? जमाने को कहने दो बेटा, जमाना यही कहेगा ना कि पुराने अब्बा और नई अम्मा। चलो आओ।